वेरी गुड मॉर्निंग तुम कैसे बच्चे हो यार है एक मिनट भी क्लास अगर लेट हो जाए तो लेट हो पी ये कैसे चलेगा यार ऐसे तो दोस्ती नहीं चल पाएगी हमारी भाई मेरे को तो ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं भाई तुम लोगों पर ऐसे तो नहीं चलेगी भाई दोस्ती ना 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 ऐसे तो वर्क नहीं कर पाएगा भाई ब्रेकअप गुड मॉर्निंग एवरी कैसे हैं आप सभी फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए जल्दी जल्दी से सारे बच्चे आ जाओ क्लास को लाइक और शेयर कर दो योर फ्रेंड्स ताकि वो भी आ जाएं एंड हम लोग शुरू करेंगे फिर हमारी आज की अमेजिंग अमेजिंग सी क्लास एग्जाम स्पेशल ग्रामर चार्ट एंड राइटिंग सेक्शन की चीट शीट मैं आप लोगों को आज देने वाली हूं तो फटाफट फड़ से सारे बच्चे आ जाओ गुड मॉर्निंग जी गुड मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हो गया सबका सबने कर लिया ब्रेकफास्ट अभी भी है कुछ बच्चे मेरी तरह लेट हाँ जी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग यार क्लास को लाइक भी कर दिया करो तुम लोग तो लाइक ही नहीं करते हो लुकिंग वेरी प्रिटी थैंक यू सो क्यूट क्या के जस्ट किडिंग यार थोड़ा लाइट मूड से क्लास को शुरू करेंगे तो मजा भी आएगा ना वही पकाऊ तरीके से शुरू करने से क्या ही मजा आएगा यार चिल होके पढ़ना चाहिए अपने को गुड मॉर्निंग जी गुड मॉर्निंग बहुत बढ़िया चलो बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं हो गया ब्रेकफास्ट बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं नहीं हुआ नहीं हुआ तो मम्मी को बोल दो ला देंगी साथ साथ में कर लेना ठीक है चलो जी प्लीज मैं हमेशा बोलती हूँ मेरे बच्चों को तो जितने बच्चे नए हैं मैं उन्हें भी बोल दू कि जो लोग कंबल में लेटे हुए हैं देखो मैं भी निकल कर आई हूँ आई नो के दिस इज है ना सबसे ज्यादा मुश्किल कार्य है सर्दियों में कंबल से निकल के आना तो अभी भी जो बच्चे कंबल में लेटे हुए हैं रजाइयों के अंदर घुस के फोन देख रहे हैं बेटा हटा दो रजाई ठीक है वरना समझ में नहीं आएगा कुछ भी तो ये जो क्लास है ना बच्चों ये बहुत ज्यादा इंटरक्टिव रहने वाली है बहुत ज्यादा आपको सीखने को मिलने वाला है आपको इसमें पार्टिसिपेशन अपना पूरा हाई रखना पड़ेगा ऐसा नहीं होगा कि मैं यहाँ पर ज्ञान देती रहूं और आप लोग सुनते रहो ऐसा नहीं होने वाला है आज की क्लास में तो प्लीज कृपया करके ये जो गाड़ी है वो निर्धारित समय से निकल चुकी है और आप लोग अपने कंबल से निकल जाइए ऑल राइट आई स्कोर एट्टी आउट ऑफ एट्टी बिकॉज ऑफ यू थैंक यू सुमित वेरी नाइस चलो जी शुरू करें तो फटाफट फड़ से हम लोग शुरू करते हैं यार देखो मैं आपको ग्रामर के चार्ट देने वाली हूँ मुझे सबसे पहले ये जानना है कितने ऐसे बच्चे हैं हमारी क्लास में जिन्होंने ऑलरेडी चार्ट्स बना के अपने आ, रूम्स में लगा रखे हैं वो हैंड्स अप ऐसे हैंड हैंड्रेस भेज दो मेरे को कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी और फटाफट फड़ से यार क्लास को लाइक और शेयर भी करते रहो ठीक है जल्दी जल्दी से एंड सारे बच्चे मुझे ये बता दो क्या आपने अभी तक अपने कोई चार्ट बना के या कोई भी ऐसी चीट शीट बनाकर रखी है क्योंकि अगर आप मुझसे पढ़ते हुए आ रहे हो तो मैंने आपको चार्ज बनवाए हैं क्या आपने खुद से किया है ऐसे हैंड हैंड्रेस भेज दो नहीं भी किया तो कोई बात नहीं आज मैं खुद दे दूंगी प्रिंट आउट निकलवा लेना ठीक है अच्छा बहुत सारे बच्चों ने किया है और बहुत सारे बच्चों ने नहीं भी किया है बट मैक्सिमम मुझे लग रहा है कि नहीं वाले बच्चे हैं यहाँ पर कोई बात नहीं ऑनेस्ट हो तो बहुत बढ़िया बात है नहीं किया कोई बात नहीं ऑनेस्टी दिखाई है उसके लिए डांटू ही नहीं ठीक है चलो तो अभी अपन अपन क्या करेंगे मेरी जान अभी पहले पहले सबसे पहले तो यार देखो एक तो ना मैं आ, मैं सो जाती एकदम से मेरे दिमाग में दस चीजें आती है बोलने के लिए फिर मैं एक भी नहीं बोल पाती हूँ जब मैं इतना सारा प्यार देख लेती हूँ टचवुड सो थैंक यू सो मच एवरी आई लव यू गाइस नंबर वन नंबर टू मैं आराम आराम से बोलूंगी यार गॉड uh, सो so, यार देखो प्लीज एक कॉपी और एक पेन लेकर बैठ जाओ जैसे ही आप एक कॉपी और पेन ले आओ डन लिख दो मैं ऐसा क्यों बोल रही हूं आपको बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्हें लगेगा मैम टाइम पास कर रही है तो वो भी पांच मिनट आता है बैठता है आपसे बात करता है और उसके बाद आपको पढ़ाना शुरू करता है क्योंकि अगर स्ट्रेट अवे पढ़ाना शुरू कर देगा ना तो आपका मन ज्यादा देर तक नहीं लग पाएगा तो ये मेरा एक रीजन है दूसरा रीजन ये है कि मैं नहीं चाहती कि मैं मेरे बच्चों को रट्टू तोते की तरह पढ़ाऊं मतलब कि बिल्कुल भैमय भैमय करा एक घंटा और चली गई नहीं मैं चाहती हूँ कि आपको बिल्कुल ऐसी फील आए कि बिल्कुल आप जैसे मैं आपके घर पे ही हूं ठीक है मैं आपके सामने बिल्कुल पढ़ा रही हूं आपको बिल्कुल वैसी फीलिंग आए तो इसलिए मैं बीच बीच में बिल्कुल वैसे ही आप लोगों से बात करती हूँ जैसे कि अगर कोई ऑफलाइन में मेरे बच्चे अगर होते तो मैं उनसे बात करती ठीक है या जो भी मेरे भाई बहन हैं या जिन्हें भी मैं पढ़ाती हूँ कभी पढ़ाती थी पहले मैं उनसे भी ऐसी करती थी है ना तो मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि आपको ऐसा ही लगे कि मैम वन वन ऑन ही हमें पढ़ा रही है वन वन ऑन ही हमें गाइड कर रही है मैम हमें भगा नहीं रही तो ये मेरा रीजन है तो प्लीज सारे बच्चे कॉपी और पेन लेकर अपने पास बैठ जाइए और मुझे रेडी लिख दीजिए कि मैम आई एम रेडी ठीक है चलो तो सारे बच्चे रेडी हैं हम लोग शुरू करेंगे से ठीक है से शुरू क्यों करेंगे मैं पहली बता दूं मैं यहाँ पे टेंसेस पढ़ा नहीं रही हूँ आज पूरा ग्रामर का मैराथन लूंगी मैं आगे जिसमें एक एक टॉपिक पढ़ाऊंगी टेंसेस बट समझाऊंगी मैं आज चार्ट्स के थ्रू आज का टॉपिक क्या है कि ग्रामर के चार्ट्स देने वाली हूँ इंपॉर्टेंट चार्ट जो याद कर लिए तो आपका मतलब नाइनटी आपका जो काम है वो हो जाएगा ठीक है चलो सो शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पर सबसे पहले जिस चीज से आ, ओहो मैं यहाँ पे गद्दा रखा है तो मैं बिना नोटिस करे चढ़ गई बच्चों को लेगा एकदम से मैम इतनी ऊपर कैसे हो गई तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग शुरू करने वाले हैं टेंसिस के साथ ठीक है मैं चार्ट ऑलरेडी बनाकर लाई हूँ कुछ टॉपिक्स का और कुछ का मैं आपके सामने बनाऊंगी बनाकर इसलिए लाई हूँ कि आपका भी टाइम सेव हो और आप लोग भी फटाफट से लिखो अब देखो कॉपी और पेन मैंने आपसे क्यों मंगवाया मैं नहीं चाहती आप टेपो नहीं मैं बस ये चाहती हूँ कि जहां पर आपको लगे ना कि यार ये चीज थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है दिमाग में रखने के लिए उसको आप फटे से अपनी कॉपी में लिख लेना बिकॉज जब हम लिखते हैं ना तो हमारा जो दिमाग है वो ऑटोमेटिकली चीजों को याद रखता है ठीक है अभी राइटिंग सेक्शन पे आएंगे थोड़ा सा सब्र करिए अभी हम पहले ग्रामर से शुरू कर रहे हैं टेंसिस से ठीक है तो चार्ट हम लोग ग्रामर में तीन ही टॉपिक का बना सकते हैं देखो आपके पास टोटल पांच टॉपिक है आप कोई एक छोड़ के भी जा सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर आपने अभी तक भी नहीं करा है ठीक है क्योंकि बारह क्वेश्चन आएंगे दस ही अटेम्प्ट करने हैं तो जो एक टॉपिक बहुत डिफिकल्ट लगता है उसको छोड़ दो पर 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 ऐसा नहीं है कोई भी टॉपिक छोड़ दो टेंसिस को बिल्कुल नहीं छोड़ सकते आप ठीक है टेंसिस को कतई नहीं छोड़ सकते टेंसिस आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए हम टेंसिस से शुरू कर रहे हैं अब टेंसिस हम नंबर वन पे क्यों कर रहे हैं क्योंकि ये जो टेंसिस है ये आपको नरेशन में भी हेल्प करता है ठीक है और आपको नंबर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी हेल्प करता है तो अगर आ जाएगा तो सब क्लियर हो जाएगा शुरू करें एक बारी मेरे सारे बच्चे लिख दो हाउ इज द जोश सारे बच्चे लिख दो हाय मैम फायर इमोजी मुझे पता चल जाएगा आपका टेंशन मेरी तरफ है हम स्ट्रेट अवे शुरू कर रहे हैं फिर कल की तरह जल्दी जल्दी डरो मत मॉडल से मॉडल से डरो मत देखो आज मैं चार्ट दूंगी कल रात को आठ बजे हमारी ताबड़तोड़ ग्रामर की क्लास है ना जिसमें मैं हर टॉपिक में से ना तुम्हें पच्चीस पच्चीस क्वेश्चन कराने वाली हूँ ठीक है और तुम देखना क्वेश्चन पेपर में तुम चार तीन चार क्वेश्चन तो एम ही कर दोगे क्योंकि इतना भी कोई डिफिकल्ट नहीं आता हम लोग बचपन से ग्रामर पढ़ते हुए आ रहे हैं हम लोग अपनी डेली लाइफ में कैन का मे का इस्तेमाल करते हैं शुड का करते हैं तो वो तो तुम देखकर भी पता लगा लोगे मॉडल्स सा थोड़े से कंफ्यूजिंग जरूर लगते हैं दिखने में बट ये आप कर लोगे तो टेंशन फ्री हो जाओ ग्रामर को लेकर चलिए सो शुरू करते हैं हम लोग फटाफट फड़ से टेंसेस को ठीक है अब यार देखो सबसे पहले हमें पता है है पास्ट है प्रेजेंट होता होता पास्ट फ्यूचर होता है तीन टाइप के होते हैं ठीक है थीके? अब इन तीन टाइप में भी ना अलग अलग चार टाइप होते हैं जो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा जैसे कि सिंपल हो 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 गया हो गया गया नंबर परफेक्ट और बेटा जी परफेक्ट क्वान्यूअस हो गया ठीक है सारे बच्चे ये चार नाम फटाफट से स्पैम कर दो क्योंकि यही चारों में बच्चे सबसे ज्यादा लटक जाते हैं उन्हें नाम ही नहीं पता होता और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें रूल्स याद हो जाए ठीक है तो आज मैं तुम्हें रूल्स याद करा के भेजूंगी तुम्हें घर पे जाकर कोई होमवर्क नहीं करना क्लास में ही रूल्स याद हो जाएंगे बट सबसे पहले स्पैम करो ये चारों चारो, पास्ट में भी ये चारों होते हैं और फ्यूचर में भी ये चारों होते हैं सिंपल कॉन्टिन्यूस परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस अब कुछ बच्चों को लगेगा अरे हमें आता है पकाओ मत अरे तुम्हें आता है पर क्या ग्रामर थोड़ी चेंज हो जाएगी थोड़ा सा सब्र करो ठीक है चलो जल्दी 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 स्पैम करो फिर अपन आगे बढ़ रहे हैं जल्दी जल्दी स्पैम करो शाबाश शाबाश मेरी जान जय बात अब देखो सबसे पहले मैं तुम्हें दे रही हूं सिंपल का चार्ट ठीक है अब ये चार्ट क्यों जरूरी है सबसे पहले तो यार प्लीज चार रुपए खर्च कर लेना और ये जो चार्ट है ना चार चार्ट है तो इन चार्ट के प्रिंट आउट निकलवा लेना ठीक है प्लीज चार रुपए खर्च कर लेना और प्रिंट आउट निकलवा लेना

तो ज्यादा जल्दी हमारे दिमाग में जाए ठीक है जैसे कि तुम लोग भी सेंटेंस बताना तान्या पढ़ाती है राहुल जाता है मैं खाना खाता है मजाक कर रही हूं मैं खाना खाता हूं ठीक है मम्मी खाना पकाती है ठीक है मेरा जो पेट है वो नौटंकी करता है बेसिकली जिनके एंड में ता है आता है, है मतलब प्रेजेंट है ना है का मतलब तो सबको पता है ना प्रेजेंट और था मतलब पास्ट तो है से पहले अगर ता है ता है, ती है ते है तो वो आपका सिंपल में प्रेजेंटेंस है समझ में आया इज इट क्लियर हाँ मेरा मोए मोए हो गया ठीक है सबको समझ में आया ठीक है अब इसका रूल बहुत ही सिंपल है याद रखना बचपन से अपने को बताया जाता है भाई सब्जेक्ट भाई सब्जेक्ट भाई सब्जेक्ट सब्जेक्ट कौन है भाई मैं हूं जो काम को कर रहा है करता जो काम को कर रहा है वो सब्जेक्ट तो सबसे पहले याद रख लो अपने दिमाग में अरे यार मैं ज़्यादा लंबी तो नहीं होगी ठीक है तो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ई एस -E और ऑब्जेक्ट लगेगा ठीक है ये ये रूल को अभी दिमाग में रख लो चार्ट की पर्सपेक्टिव से नीचे मैं समझाऊंगी भी एक तरीके से टेंसिस की क्लास ही हो गई है ठीक है So, यहाँ पर याद रखो सब्जेक्ट जो काम को कर रहा है भाई सब्जेक्ट तो हर हर के स्टार्टिंग में आएगा। भाई, यहाँ पर हमें का पूरे जगत में ठीक है जब तक मैं ना बोलू फर्स्ट फॉर्म लगाते जाना ठीक है जब तक मैं रोकू ना कि अरे भाई रुक जा रुक जा फर्स्ट फॉर्म मत लगाई तब तक फर्स्ट फॉर्म लगाते जाना तो अपने दिमाग में बिठा लो फर्स्ट फॉर्म तो subject, first form, अब SES का मैम पे क्या रोल है देखो यार अगर अगर आपका आपका है है I है 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 तब तब आप आप लगाओगे लगाओगे को नहीं ठीक मैंने एक गाने का भी एग्जाम्पल दिया था आई गेस मिलिंद गावा का गाना है शी uh, नो हमेशा मैं एग्जाम्पल देती हूँ तो वो गलत गाना है ठीक है क्योंकि शी के साथ आप आ, जो सिंगुलर है उसके साथ एस लगाते हो डीओ तो क्यू आएगा डीओ एस -E आना चाहिए इतना समझ में आया सारे बच्चे बोलो। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देना कि सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म es ऑब्जेक्ट -E ये हम लोग यहां पर लगाने वाले हैं ये हमारे सिंपल टेंस का रूल है ठीक है अब अगर es -E -S हम तब लगाएंगे जब हमारा सब्जेक्ट क्या है इट है, शी है अगर हमारा सब्जेक्ट वी है दे है आई है यू है तो एस ई एस नहीं लगाना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एस कहां पर लगाएंगे और ई एस कहां पर लगाएंगे। तो यार देखो, अगर आपके वर्ब का लास्ट लेटर ओ है सी एच है डबल एस है तो आप ई एस लगाओगे अगर आपके वर्ब का लास्ट लेटर इनको छोड़ के कुछ भी है तो आप एस लगाओगे सिंपल सी बात है जैसे जी ओ गो है लास्ट लेटर ओ है जैसे कि ऊपर लिखा है तो हमने क्या करा गोस कर दिया ई एस लगा दिया ड्रिंक में देखो लास्ट लेटर के है तो खाली एस आएगा ड्रिंक्स हो जाएगा तो आई होप ये आसान सा रूल आप लोगों को याद है तो आप जिस भी सेंटेंस में देखो फॉर एग्जाम्पल मीना सिंग्स आप देख रहे हो सब्जेक्ट है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ई एस, एस में से भी लगा हुआ है और ऑब्जेक्ट है मतलब ये सिंपल टेंस है ठीक है इसके बिल्कुल साइड में आपको क्या करना है सिंपल पास का रूल याद रखना है सिंपल वालों की कैटेगरी अलग कर देनी है अब केवल पूरे टेंसेज में पूरे टेंसेज में केवल और केवल सिंपल पास ये कैसा टेंस है बेटा जहां पर आप वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हो बस मान लो कि वर्ब का सेकंड फॉर्म एक चॉकलेट है और हमने इसको दे दी सिंपल पास को अब हमारे पास है ही नहीं किसी को देने के लिए ठीक है या फिर ये मान लो कि वर्ब का सेकंड फॉर्म हमारा दिल है और हम दिल दे चुके पास की की बात है, दिल को समझ लेना यार मैं तो सिंपल पास्ट को दे चुका हूं क्योंकि क्या होता है जब भी हम दिल देते हैं किसी को है ना तो वो तो हमारा पास्ट ही हो जाता है कोई प्रेजेंट में कहा पाता है समझ रहे हो ना अगर मैंने किसी को दिल दिया तो वो मेरे पास थी हो जाएगा तो इस तरीके से याद रख लेना कि सिंपल पास्ट भाई वर्ब का सेकंड फॉर्म मेरा दिल है सिंपल पास्ट मतलब पास्ट में ही है ठीक है तो केवल वर्ब के सेकंड फॉर्म में ही हम लोग केवल सिंपल पास्ट में ही हम लोग वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएंगे बस बाकी पूरे बाकी पूरे टेंसेस में कहीं अपने को सेकंड फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं है हाँ जी मगज में आया समझ में आया एक बच्ची बोल रही है नव्य अब रियल हो गया मैम आई फील यू ब्रो ठीक है ओके अब जैसे सिंपल पास्ट की बात है ना मैं लिख कर दे सकती तुम कभी नहीं भूलोगे कि सिंपल पास्ट और अच्छा पास तो कॉन्टिन्यूस भी होता है पास तो परफेक्ट भी होता है पास तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी होता है तो मैम हमें कैसे याद रहेगा कि सिंपल वाले पास्ट में ही वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना है भाई हमें ऐसे याद रहेगा देखो तुम हमेशा जब भी हम अपने दरदे दिल की कहानी सुनाते हैं हम क्या बोलते हैं यार मैं तो सही था मैं तो सिंपल ही था यार है ना वही कॉम्प्लिकेटेड थी मैं तो सिंपल था यार तो बेसिकली हम खुद को सिंपल ही मानते हैं तो इसलिए याद रखना कि मेरा सिंपल सा पास्ट और दिल का नाम क्या है वर्ब का सेकंड फॉर्म एज सिंपल एज दैट तो मुझे नहीं लगता आप कभी भूल पाओगे ठीक है जी चलो आगे चलते हैं

क्योंकि ये ये दो मिनट का काम है ये मुझे सिर्फ डिक्टेट करना है बट उसमें आपको कुछ समझ नहीं आएगा तो एक तरीके से मैं आपको समझाती भी भी हूँ तो सिंपल में ता परमानेंट ता से तान्या याद रख लेना ठीक है तान्या भी बहुत सिंपल है इससे याद रख लेना ता ठीक है सिंपल प्रेजेंट ता है सिंपल पास्ट ता था सिंपल मैं जाता था मैं खाता था है ना मैं सोता था मैं नहाता था अब भाई कुछ नहीं कर पा रहा हूं दैट्स इट ठीक है चलो अब यहां पे फ्यूचर फ्यूचर अच्छा future की मैं एक बात बताती हूँ सिंपल फ्यूचर टेंस की पहली बात तो ना जैसे मेरे पास तो कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है बट फ्यूचर टेंस के पास हमेशा एक बेस्ट फ्रेंड रहता है सब्जेक्ट प्लस विल और शैल ठीक है सब्जेक्ट प्लस विल और शैल तो होगा ही होगा हर फ्यूचर में जहां पर भी देखो फ्यूचर सब्जेक्ट तो है ही और विल और शैल तो आएगा ही आएगा बिना विल और शैल के भाई अपने को कैसे पता चलेगा कि ये फ्यूचर की बात ही कर रहा है या कर रही है समझ में आया सो सब्जेक्ट प्लस विल और शैल इज परमानेंट नाउ मैंने क्या बोला था जब तक मैं ना टोकू हर जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते जाओ तो यहां पर भी अपन क्या करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंपल रूल को याद करने की जरूरत ही नहीं दिमाग आंखें बंद करो दिमाग में बिठा लो कि भाई सब्जेक्ट विलर शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो मैम ने बोला ये ऑब्जेक्ट हो गया सिंपल फ्यूचर खत्म जैसे कि आई विल गो टू स्कूल अब बच्चों की कंफ्यूजन होती है मैम विल कहां लगाए शैल कहां लगाए देखो शैल जो है ना मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ नोट्स में शैल जो है ना वो आपका आई और वी के साथ ही हम लोग लगाते हैं बाकी सबके साथ विल लगाते हैं बट कम्पल्सरी नहीं है कि आई और वी जहां जहां होगा वहां शैल ही लगाओ विल लगाओगे तो गलत हो जाएगा तो विल विल और शैल शैल दोनों ही ही आप लोग इनके साथ लगा सकते हो आजकल जनरली ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है को एज अ मॉडल वर्ब लोग ज्यादा इस्तेमाल करने लगे कि यार मुझे ये करना ही चाहिए आई शैल डू दिस है ना जोर लगाने के लिए एम्फोसिस करने के लिए किसी बात पे कि वी शैल गो देयर कि भाई अपने को जाना ही चाहिए ना अपने को अपन चलेंगे समझ में आया आज प्रॉमिस डे है कुछ प्रॉमिस करो हमसे यही प्रॉमिस कर सकती हूं कि अगर मेरा साथ दिया तो इंग्लिश में फुल नंबर दिलवाऊंगी और इलेवेंथ और ट्वेल्थ में साथ नहीं छोड़ेंगे हाथ नहीं छोड़ेंगे ठीक है चलिए तो प्लीज मुझे बताइए क्या ये सिंपल टेंस सभी बच्चों को क्लियर है दिमाग में बैठ गया कैन आई गेट एनर्जी यस मैम इन द कमेंट सेक्शन मजा आ रहा है जल्दी बताओ यार फिर अपन थोड़ा सा ये ना फ्लो पकड़ लेंगे क्लास का फिर तो दैर दैर कराती जाऊंगी मैं बिल्कुल रुकूंगी नहीं मैं रुकेंगे नहीं झुकेंगे नहीं चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलो ठीक है

प्रेजेंट में हम डू do, डज के साथ नॉट लगाते हैं पास्ट में हम डिड के साथ नॉट लगाते हैं बस एक बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है अपने दिमाग में कि डू और डस की ना एस और ई से दुश्मनी है ठीक है डू और डस की एस और ई के साथ दुश्मनी है क्योंकि डी ओ ई एस में अपने आप ही ई एस आ रहा है राइट right? तो जस भी सेंटेंस में जिस भी सेंटेंस में एक सेकंड देना मेरे को आप लोग डू और डज लगाओगे वहां पर आप एस ई एस को नहीं लगाओगे ठीक है एक बारी कॉमेंट करो क्या नहीं करोगे अपने हाथ से टाइप करो बेवकूफ वाली बात आपको लग सकती है बट टाइप करो क्योंकि फिर भूलोगे नहीं कि मैम जहां पर डू और होगा वहां पर हम लोग वर्ब के साथ एस -E नहीं लगाएंगे क्योंकि यहां पर हमने क्या देखा था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस -E लगाना पड़ रहा है बट नेगेटिव सेंटेंस में क्योंकि भाई डस एंट्री मार रहा है टेंस में तो एस -E हम लोग नहीं लगाएंगे समझ में आया इज इट क्लियर ठीक है हाँ, तो यहां पर देखो रूल क्या हो जाएगा सब्जेक्ट तो परमानेंट है ही हमारा सब्जेक्ट डू नॉट या डज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट खत्म है ना पूरा सेम हमारा यही वाला रूल है हमने क्या करा एस हटा दिया subject do not does not verb का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एस ई एस हटा दिया पॉइंट ये आता है कि मैम डू कहां लगाएं और डस कहाँ पर लगाएं तो डू अगेन आपका यहाँ पर जो हमारा था ना वी दे आई यू इसके साथ आप डू लगाओगे मैंने लिख भी दिया है और ही शी इट के साथ आप डस लगाओगे बहुत बार बच्चे क्लास में भी बोल देते हैं मैम ही डोंट नो मैम शी डोंट नो वो गलत है आई डोंट नो बोल लो वो सही है बट ही डोंट नो शी डोंट नो गलत है She doesn't know. He doesn't know. समझ में आया तो सिंगुलर के साथ आप डज नॉट लगाओगे ये बात आपको याद रखनी प्रेजेंट में सिंपल प्रेजेंट में ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं जैसे कि मीना डजेंट सिंग अ सॉन्ग हो सकता है ठीक अगर हम बात कर रहे पास्ट की पास्ट में डिड लगाते हैं अब मैंने क्या बोला था भाई वर्ब का सेकंड फॉर्म तो हमारा दिल है दिल तो एक ही बार देते हैं तो यहां पर पास्ट में वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं आएगा अब कहीं नहीं आएगा सेकंड फॉर्म एक ही था दे दिया सिंपल पास्ट को ठीक है तो यहां पर रूल क्या हो जाएगा सब्जेक्ट डू नॉट नॉट की जगह डिड नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भाई वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पूरा से ठीक है तो यहां पर हर रूल को रखने की जरूरत नहीं है दिमाग लगाओ सीक्वेंस बिठाओ कि हाँ यार प्रेजेंट में डू नॉट नॉट था नेगेटिव में पास्ट में डिड नॉट है बस डिड नॉट के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा क्योंकि सेकेंड फॉर्म हम लोग दे चुके हैं बस सिंपल पास्ट के एफर्मेटिव वाक्यों में यूज होता है ठीक है आई होप दिस इज क्लियर ठीक है बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं सेकेंड फॉर्म लगा देते हैं है ना मैम ही डिंट न्यू ही न्यू क्योंकि हमें लगता है पास्ट की बात कर रहे हैं डिड भी लगा दिया तो न्यू लगा दो मैम ही न्यू दैट अब गलत है

अब में में ना यार continuous को ऐसे दिमाग में बिठाओ कि कॉन्टिन्यू कर रहे हैं किसी काम को, हम जैसे पढ़ रहे है, अब हमें कोई भी काम करने के लिए भाई हेल्प की जरूरत तो पड़ती है राइट जैसे पढ़ाने के लिए मुझे इस बोर्ड की हेल्प की जरूरत है राइट एक सेकेंड रुकना मैं इसको धक्के मार के बाहर निकाल दू मेरे पेट को वरना ये आवाज ही करती रहेगी यहाँ पर पढ़ाने नहीं देगी चल चलो तो बाहर निकाल दिया मैंने उसको मैम आप गलत पढ़ा रही हो अच्छा क्या गलत पढ़ा है मैंने दिव्यांशी कुछ भी लिखते हो आप आकर मुझे तो लगता है ये कुछ ऑनलाइन टीचर्स है जो फेक आईडी बना के कमेंट करते हैं मेरी क्लास <laughs> चलो आ जाओ यार इस इस महीने मैंने ऑलरेडी uh, मेरी लाइफ में बहुत नेगेटिविटी है तो मैंने डिसाइड किया नो नेगेटिव पीपल तो मेरे को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ने वाला आप जो मर्जी बोलते जाओ मेरे कमेंट सेक्शन में लाइक आई डोंट केयर ठीक है अब यहां पर देखो सबसे पहले कॉन्टिन्यूस में मैं तो जरूरत है, जरूर है तो एक बात याद रखो कॉन्टिन्यूस टेंस में जरूर आएगा प्रेजेंट में पास्ट में लगेगा, और फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब लगेगा तुम्हारा बी बस इतना ही याद रखना है बाकी पूरा सेम है ठीक है कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या इसको याद रखो कोई काम हो रहा है मैं पढ़ा रही हूँ मतलब अगेन अभी हो कॉन्टिन्यूस तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हम पढ़ रहे हैं मम्मी खाना बना रही है मम्मी मेरे साथ बैठकर क्लास देख रही है मम्मी तांधा मैम को पसंद कर रही है ये सब क्या है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ठीक है अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में एक बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि सब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा है ना हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर सिंगुलर के साथ इज आई एम के साथ आई एन जी तो बचपन से सीखता रहे भाई आई तो लगेगा ना कॉन्टिन्यूस टेंस में आई एम टीचिंग ही इज प्लेइंग है ना यू आर सिंगिंग ही इज कुकिंग दे आर कमिंग आई एनजी तो आएगा ही आएगा सो यहां पर आप लोग याद रखिए सब्जेक्ट इज एम की तो पूरा का पूरा डिटो रूल है दोबारा नहीं याद करना अपने को और तीन रूल याद करने अरे बिल्कुल नहीं करने दोबारा नहीं याद करना पूरा का पूरा डिटो है यहाँ पे इज आर था प्रेजेंट कॉन्टीन में पास्ट कॉन्टीन्यूस में वो वर हो जाएगा बस सिंगुलर के साथ वॉस प्लूरल के साथ वर दे वर वी वर ही वॉस आई वॉस शी वॉस दैट्स इट ठीक है वो खेल रहे थे मैं जा रही थी वो आ रहा था यार वो बहुत पका रहा था ठीक है मैं थप्पड़ मार रहा था ये सब क्या है पास्ट में कॉन्टिन्यूस गॉट इट अब अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की बात करें इसमें तो भाई रूल याद करना ही नहीं क्यों मैम ने क्या बताया था मैम ने बोला था सब्जेक्ट और विलर शैल तो परमानेंट है उसका बेस्ट फ्रेंड है तो तो सब्जेक्ट और विल और विलर तो आएगा ही अब हेल्पिंग वर्ब के लिए हम लोग बी ई का इस्तेमाल करेंगे ठीक है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में यानी कि कोई काम हो रहा होगा भाई मैं ना छब्बीस तारीख को पेपर लिख रहा होंगे ठीक है मैं खेल रहा होंगे मैं जा रहा होंगे वो आ रहे होंगे समझ में कोई काम फ्यूचर में कॉन्टिन्यू हो रहा होगा that is your future continuous is it clear ठीक है समझ में आया मगज में आया ऑलराइट right. जिन बच्चों को अच्छा एक और बात ये फिट और फैट के साथ और भी बच्चे हैं जिन बच्चों को ये डाउट है ना कि मैम हमने बचपन में फॉर्म नहीं याद करे वर्ब के जैसे गो का सेकंड फॉर्म वेंट होता है हमें नहीं पता तो मैं टेलीग्राम पे ना आज ही तुम्हें पूरा का पूरा चार्ट भेज दूंगी उसे बैठ के याद कर लेना समझ में आया

प्रिया विल बी गोइंग टू स्कूल आई विल बी सिंगिंग अग ठीक है इसका नेगेटिव के लिए कुछ नहीं करना नॉट जोड़ना है बस आई एम नॉट गोइंग आई एम नॉट सिंगिंग आई एम नॉट कुकिंग आई एम नॉट ईटिंग सिंपल ठीक है आई के साथ वर्क अब लगता है बताऊंगी सब्जेक्ट वग्रीमेंट में बताऊंगी थोड़ा सा पेशेंस रखो अभी सब क्लियर हो जाएगा ठीक है इतना क्लियर है ये बता दो फटाफट फड़ से मेरे को ठीक में यार कुछ नहीं करना देखो ये ना सिर्फ तुम्हारे फालतू का लेक्चर को स्ट्रेच करने की टेक्निक है और कुछ नहीं है इंटेरोगेटिव में यार कुछ नहीं करते हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देते हैं सब्जेक्ट को पीछे बस जैसे हेल्पिंग वर्ब दूसरे नंबर पे है सब्जेक्ट पहले नंबर पे उल्टा कर दो इज प्रिया गोइंग टू स्कूल आर दे कमिंग टू हाउस तो रूल तो सेम ही रहता है तो सेम ही रहता है तो मेन मेरी कोशिश ये कि आपके दिमाग में सेट हो जाए। आप है, है। बस मेरा मकसद इतना है ठीक है जी हाँ तो आगे देखो आप लोग फटाफट -फड़ से अब हम चलते हैं बेटा परफेक्ट टेंस पे अच्छा केवल और केवल टेंसिस में परफेक्ट में ही

या आप और स्टूपिड लॉजिक से याद कर लो कि भाई देखो इंसान परफेक्ट एक बार में तो बनता नहीं है है ना पहली बार कोशिश करता है दूसरी बार करता है हर कोई बोलता है ना भाई मैं तो तीन मौके देता हूं बास। तो वैसे याद रख लो कोई भी स्टूपेड लॉजिक मतलब ये तो मैं मेरे दिमाग के बता रही हूं कि मैंने कैसे याद रखे हुए हैं ठीक है तो आप लोग याद कर लो समझ में आया वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है That's it. अब एक बात मैं और बता दूं परफेक्ट टेंस में एच फैमिली का इस्तेमाल होता है ठीक है यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है बट मैम कौन सी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर वॉज वर्ड तो सब चला गया अब एच फैमिली की हेल्पिंग वर्ब आएगी आगे हेल्प करने ठीक है ऐसे मान लो हरीश आ रहा है आगे हेल्प करने एच से हरीश एच से एच फैमिली ठीक है अब प्रेजेंट टेंस में हैव और हैज आते हैं हेल्प करने पास्ट टेंस में हैड आता है हेल्प करने ठीक है अब सबसे मेजर बात क्या है कि हैव कहां लगाएं और हैज कहां लगाएं यही है ना मेजर प्रॉब्लम

गॉन थर्ड फॉर्म है गॉन सो प्रिया हैज गॉन टू स्कूल क्यों लगाया, बहुत बच्चे लगा देते है। have लगाया? Have? सुनने में अच्छा लग रहा है दिमाग में बैठा हुआ है ठीक है समझ में आया हम तो इसलिए जो सुनने में अच्छा लग रहा है जो बोलने में अच्छा लग रहा है वैसे ग्रामर नहीं करके आना है पेपर में ऐसी अगर दे है दे है ठीक है बिल्कुल सेम रूल रहेगा केवल हैव एस की जगह हैड कर दोगे तो हो गया पास परफेक्ट अब परफेक्ट होता क्या है कोई काम हो चुका है ठीक है मान लो मैं खाना खा चुकी हूँ प्रेजेंट परफेक्ट मैं खाना खा चुकी थी पास परफेक्ट मान लो आप लोग स्कूल से आए और आप क्लास में आ गए और आप बोल रहे हो कि मैम मैं ना अपना होमवर्क कर चुका हूँ प्रेजेंट परफेक्ट मैम जब कल मैं आया था ना मैं मेरा होमवर्क कर चुका था पास्ट परफेक्ट यानी कि बेटा कोई काम हो जब हम बात कर रहे हैं उससे पहले ही हो चुका है या हो चुका था समझ में आया इज इट क्लियर तो पास्ट परफेक्ट कोई काम हो चुका था बिल्कुल सेम रहेगा केवल हैड ऐड हो जाएगा वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट ठीक है अब यहां पर प्लूरल हो सिंगुलर हो सबके साथ हैड ही लगाना है इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है बात करते हैं फ्यूचर की अब मैम हैव और हैज इसने ले लिया हैड ले लिया तो फ्यूचर में हम लोग क्या लगाए देखो सब्जेक्ट और विल और शैल तो रहेगा ही ये तो तुम्हें भी पता है मेरे को भी पता है ना इसमें तो कोई दोहराए नहीं है है ना कि सब्जेक्ट और विल और शैल तो रहेगा ही रहेगा हेल्प के लिए आगे आएगा हैव हैज बोल रहा है कि भाई मैं नहीं कर रहा हेल्प हैड भी बोल रहा है भाई मैं नहीं कर रहा हेल्प चलना पागल है क्या हैव बोल रहा है भाई मैं मैं ही ही बचाऊं चला जाता हूं बट यहां पर कंफ्यूजन ना हो इसलिए विल और शैल के साथ ही हैव आएगा ठीक है सो सब्जेक्ट हो गया विल और शैल के साथ तुम लोगों ने क्या कर दिया हैव लगा दिया वो की थर्ड फॉर्म तो लगाओगे ही और फिर ऑब्जेक्ट लगा दोगे सिंपल सी बात है ठीक है तो तुम्हारा बेटा लेजेंड मैं नहीं आऊंगी पेपर में मैम यू आर वेरी दिस एंड यू आर वेरी दैट मेरी खूबसूरती पे निबंध लिखने नहीं आएगा पेपर में तो यहां पर सब्जेक्ट विल और शैल लगाया ठीक है हैव लगाया वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट तो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है ना जो ढांचा है वो तो सेम ही रहने वाला है बीच के हेल्पिंग वर्ब हमें चेंज करना है तो अपने दिमाग में बिठा लीजिए यहां पर मैं आपके लिए लिख भी देती हूं ताकि आप लोग भूले ना कि प्रेजेंट में आप लोग हैव और हैज का इस्तेमाल करेंगे वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ पास्ट में आप लोग हैड का इस्तेमाल करेंगे वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ और फ्यूचर में, में मेरी जान आप लोग फिर से विल और शैल लगाएंगे वो तो आएगा ही आएगा प्लस हैव हाँ के थर्ड फॉर्म के साथ इसमें किसी को दुविधा परेशानी है तो बताइए हां जी बताओ भाई चलाना चैनल पर भी इंग्लिश क्लास चल रही है चलने तो क्या कर सकते हैं <laughs> गाली वाले इमोजी क्यों भेज रहे हैं ऐसे नहीं करते बैड मैनर्स <laughs> चलने दो भाई जिसको चलानी है तो रोक थोड़ी सकते हैं इसे <laughs> हाँ तुम बताओ यार ये समझ में आया तुम्हें हाँ अरे यार अभी नरेशन पे आएंगे ना यार एक तो तुम्हारी प्रॉब्लम बहुत है सच में तुम ना उस उस डेस्परेट गर्लफ्रेंड की तरह हो जिसे सारे के सारे गिफ्ट्स एक ही दिन चाहिए ऐसे नहीं चलता बेटा सारे टॉपिक इकट्ठे कैसे हो सकते इसके बाद ही तो करेंगे ना अरे कुछ नहीं लिखना भाई मैं दे दूंगी ये तुम्हें मैं देखना चाहती हूँ यस मैम स्पैम हुआ तुम्हारा अलग ही चल रहा है एरर करेक्शन करेंगे ठंड रखो सब करेंगे चलो सो आई होप दिस इज क्लियर अच्छा इसमें ना सीबीएसई वाले या किसी भी बोर्ड वाले बहुत चंट होते हैं ठीक है उनका दिमाग हमसे दो कदम आगे चलता है तो वो क्या करते हैं भाई को क्या करना है क्या करेंगे हम एक बात का रट लो दिमाग में बिठा लो समझ लो जो मर्जी कर लो जिस भी सेंटेंस में बिफोर लगा है माने देखो ऐसे ठीक है अगर बिफोर से पहले कोई फिलिंग ब्लैंक्स है तो आप वहां पास परफेक्ट लगाओगे मतलब और वर्ब का थर्ड फॉर्म बिफोर के बाद अगर कोई द ब्लैंक्स है तो आप वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाओगे जो अभी हमने बात करी थी सिंपल पास्ट है ना अपना दिल लगा दोगे यहाँ पे ठीक है इज इट क्लियर समझ में आया ना तो जिन भी सेंटेंसेस में बिफोर है बिफोर से पहले वाले ब्लैंक में पास्ट परफेक्ट बिफोर से बाद वाले ब्लैंक में सिंपल पास्ट ठीक है मान लो यहां पर इन्होंने तुम्हें दे रखा है लीव ठीक है ब्रैकेट में लीव दे रखा है हमें पता है पास परफेक्ट आएगा तो हैड लगेगा हैड लगाया वर्ब का थर्ड फॉर्म लेफ्ट लगा दिया है ठीक है ऑल राइट अब आफ्टर वाले सेंटेंस में क्या करना है बिल्कुल अपोजिट कर देना है ठीक है आफ्टर वाले सेंटेंस में तुम लोग अपोजिट कर दोगे अपोजिट माने

ठीक है अब हम चलते हैं लास्ट तुम्हारे चार्ट के ऊपर लास्ट चार्ट है परफेक्ट का ठीक है लास्ट चार्ट किसका है परफेक्ट का अच्छा ये ना चोरों का चोर है जैसे टेंथ में वो वाला चैप्टर है ना हमारा डेनबी है ना डेनबी क्या करता है साल में एक बार ही चोरी करता है क्योंकि भाई साहब को बुक्स का शौक होता है ना बड़े बड़े शौक बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते तो यहां पर भी ये चोर है अब ये चोर क्यों है आए आए दोनों को उठा के अपना नाम बना दिया है। और बच्चे यहीं पर अटक जाते हैं, उन्हें नहीं है पहले समझ लो फिर इसका रूल देखेंगे देखो कॉन्टिन्यूस टेंस में और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या अंतर है क्या डिफरेंस है ये मैं तुम्हें आज समझा देती हूँ कॉन्टिन्यूस मतलब मैं पढ़ा रही हूँ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या है मैं ग्यारह बजे से पढ़ा रही हूँ टाइम जरूर होगा ठीक है जैसे तुम बोल सकते हो हम पढ़ रहे हैं कॉन्टिन्यूस टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस अगर तुम बोलो भाई एक साल से पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ठीक है एक एक एग्जाम्पल लिख दो फटाफट फड़ से फटाफट फड़ से एक एक एग्जाम्पल लिख दो कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी मेरे को बता दो क्या होगा करेक्ट आंसर कल वाली टॉपर शीट भेज दूंगी ओके नोटेड जल्दी बताओ ये रिकॉर्डेड है क्या बेटा रिकॉर्डेड में इतनी बातें होती है बिफोर और after वाला फिर से बता अभी बताती हूं। ये समझ में आया और यार ये एक बच्चे ने बड़ा मस्त सा लॉजिक दिया है बिफोर और, और आफ्टर के लिए ये देखो बच्चा बोल है भाई मैंने ऐसे याद कर लिया है बिफोर वाले सेंटेंसेस में क्या करना है थर्टी टू याद रखना है थर्टी टू आफ्टर वाले सेंटेंस में ट्वेंटी थ्री याद कर लेना है ठीक है अब ये बहुत बढ़िया लॉजिक दिया यार बच्चे का नाम नहीं देख पाई वरना शाउट आउट देती बट बहुत बढ़िया लॉजिक दिया देखो थर्टी टू क्यू भाई बिफोर वाले सेंटेंसेस में जो पहले फिलिंदा ब्लैंक्स है उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओगे आप हैड के साथ और जो सेकंड दूसरा वाला है उसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाओगे वैसे ही आफ्टर वाले सेंटेंसेस में पहले वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाओगे बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओगे हेड के साथ बड़ा अच्छा लॉजिक है है अभी समझ में आया सभी को ठीक चलिए बहुत बढ़िया तो अब चलते हैं इसी पे जो मैं आपको बता रही थी तो समझ में आया ना परफेक्ट क्वान्यूअस वाले वाक्य क्या होते हैं अब क्योंकि ये चोर है तो इसने जो अपना पूरा का पूरा रूल है ना वो भी चुराया ही है ठीक है वो भी चोरी का ही है यार एक बारी में दोबारा से सबसे रिक्वेस्ट करूंगी सारे बच्चे प्लीज क्लास को लाइक और शेयर कर दो ना जल्दी जल्दी से चलो तो यहाँ पर सबसे पहले बेटा ध्यान दीजिए पिंक पिंक पेन -पैं से सब्जेक्ट आएगा ठीक है अब इसके नाम में क्या है परफेक्ट परफेक्ट टेंस में आंख बंद करो और बताओ हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगता है जल्दी बताओ परफेक्ट टेंस में अगर मैं आंख बंद करूं

अब आगे गया ये continuous पे जो इसके नाम में 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 ही है 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 ना क्या लगता तो तो लगा चुका तो दोबारा नहीं लगाएंगे मैम की first form और ing बचा भाई वही वही कर दिया इसने की first form, ing object. अब अब दोबारा से सब सब लोग आ गए बोल रहे हट 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 चोर हट चोर हट चोर तूने इसने क्या करा अब इसने क्या करा इसने कि भाई जो भी सेंटेंस में टाइम होगा मैं वो लगाऊंगा और टाइम से पहले मैं तो uh, सिंस तो तुम्हें बता देती हूं। देखो, अगर आपके पेपर में कोई भी सेंटेंस दे रखा है ठीक है और अगर आपके सेंटेंस में कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू है मान ले चार है छ है आठ है नौ है पांच है ना ऐसे मान ले ठीक है तू मान ले कि कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू तेरे को दे रखी है

तो आप फोर का इस्तेमाल करेंगे अन्यथा आप सिंस का इस्तेमाल करेंगे मान लीजिए नाइनटीन ट्वेंटी है अब कुछ बच्चे बोलेंगे मैम ये भी तो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये भी तो नंबर है तो इसके आगे क्या तुम्हें इनमें से कुछ भी लिखा हुआ दिख रहा है कोई डे वीक मंथ फलाना ढिमकाना झिमकाना कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा तो ठीक है फिर यहाँ पर सिंस लगा दो खत्म बात मान लो आफ्टरनून लिखा है है ना मान लो लास्ट ईयर लिखा है कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दिख रहा है नहीं दिख रहा तो फिर क्या करना है सिंस लगाना है खत्म बात इज इट क्लियर समझ में आया अच्छा स्कोर करने के लिए क्या करूं सिलेबस कंप्लीट है बेटा रिवीजन करो प्रैक्टिस करो ठीक है सो so यहां पर अब अगर मान लो मैं बोल रही हूं कि भाई चार दिन से प्रिया गाना गा रही है भाई कोई जाकर प्रिया को हिलाओ भाई समझाओ उसको चार दिन हो गए गाना गाए जा रही है वो ठीक है तो चार दिन से प्रिया गाना गा रही है को अपन कैसे लिखेंगे सबसे पहले तो प्रिया लिख देंगे सब्जेक्ट आ गया प्रिया है ना अब हैव और हैज में से भाई क्या लगाएंगे प्रिया सिंगुलर है हैज लगाएंगे ठीक है बीन लगा दिया अब सिंगिंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अ सॉन्ग अब मैंने बोला चार दिन यानी यानी कि कि भी भी और उसके आगे है है तो मैं four, four, four days. तो मैं लगाऊंगी ठीक याद रखना वाले वाक्यों में बीन जरूर होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी जरूर होगा ठीक है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो हेल्पिंग वर्ब भी इतना समझ में आया बच्चे बोल रहे हैं अनसिन पैसेज की प्रैक्टिस कराओ बेटा प्लीज वीडियो जाकर देखो पूरा शेड्यूल दे रखा है अनसिन पैसेज का कब होगी क्लास एक एक चीज बता रखी है है ना एक एक चीज बता रखी है प्लीज वो वीडियो देखो वरना टेलीग्राम ज्वाइन करो पूरा टाइम टेबल मिल जाएगा ठीक है अब यहां पर है पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस अब एक रूल अगर याद कर लिया ना तो बाकी दोनों अपने आप याद हो जाएंगे उसमें कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है उसमें कोई दिमाग पे स्ट्रेस बेमतलब का लोड फालतू का लोड लेने की अपने को जरूरत नहीं है भाई ठीक है क्यों नहीं है जरूरत क्योंकि मैम बोल रही है पूरा का पूरा आपका रूल बेटा जी सेम रहेगा आप हैव हैस की जगह हैड लगा दोगे बस खत्म ठीक है अब यहां पर क्या होगा ये क्या करता था फ्यूचर परफेक्ट में विल शैल के साथ लगाता था तो वही है, विल शैल के साथ है बाकी की बाकी पूरा का पूरा रूल सेम रहेगा तो अगर एक रूल याद हो गया एक रूल में दिमाग लगा लिया दिमाग खोल के अब मैं बताती हूँ दिमाग खोलने और दिमाग बंद में डिफरेंस क्या है दिमाग बंद वाला बच्चा सारा रटेगा सब्जेक्ट हैड बीन मैम प्रेजेंट परफेक्ट परफेक्ट हो हो गया पास्ट नहीं हो रहा अरे भाई प्रेजेंट परफेक्ट हो गया तो पास्ट परफेक्ट में बचा क्या हेल्पिंग वर्ब चेंज करना जो बच्चा दिमाग खोल के पड़ेगा ना वो लॉजिक निकालेगा अरे यहाँ तो सब सेम है केवल हेल्पिंग वर्ब ही तो चेंज है सिंपल समझ में आया सबको जी इज दिस क्लियर ये चार्ट्स आपको टेलीग्राम पे दे दूंगी अगर टेंसेस क्लियर है तो टेंसेस ओपी स्पैम कर दो कमेंट सेक्शन में लास्ट ईयर में भी तो ईयर आता है एक बच्चा बोल रहा है कि मैम अगर यहाँ पर हमने लास्ट ईयर लिखा है तो इसमें भी तो ईयर आया है ना ये ईयर ये आया है, तो फॉर क्यों नहीं आया बेटा क्योंकि मैंने बोला न्यूमेरिकल वैल्यू भी तो होनी चाहिए चार साल दो साल छह साल पांच साल दस साल बीस साल न्यूमेरिकल वैल्यू कहा है लास्ट ईयर है पिछला साल कोई नंबर थोड़ी है इसलिए सिंस सिंस लास्ट लास्ट ईयर मंथ सिंस इवनिंग सिंस आफ्टरनून न्यूमेरिकल वैल्यू का भी होना जरूरी है ठीक है इज इट क्लियर चलिए तो ठीक है टेंसिस ओपी हो गया ओपी का आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा क्या बोलते हैं इसको स्लाइड्स में आपको दे दूंगी पूरी की पूरी एक्सपोर्ट कर देती हूँ यहाँ पर आप लोगों के लिए ताकि मुझे याद रहे कि बच्चों को भेज रहा है टेंसिस चार्ट के नाम से पीडीएफ आएगा ठीक है ले लेना इसको बिल्कुल फ्री है टेलीग्राम पर मिलेगा अब हम चलते हैं आगे आगे के चार्ट्स को देखते हैं कहाँ है भाई ये रहा अब चलेंगे नरेशन पे ठीक है अब मैं आपको वैसे तो मैंने आपको नरेशन का पूरा लेक्चर समझाया है ठीक है मैं आपको इंपॉर्टेंट चार्ट्स बताने वाली हूँ नरेशन के आगे जब मेरेथन होगी तो मैं दोबारा से आपको नरेशन डिटेल में भी कराऊंगी ठीक है और कल शाम को मैं आप मैंने आपको बता ही दिया है कि हर टॉपिक में से आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं ताबड़तोड़ ग्रामर सीरीज के अंदर तो ताबड़तोड़ ग्रामर सीरीज कल हमारे चैनल पर रात में आठ बजे होगा जिसमें हम बहुत जबरदस्त तरीके से जितना भी ज्ञान ले रहे हैं ना उतना ज्ञान इम्प्लीमेंट करेंगे कल ठीक है तो आज पढ़ाने के बाद टाइम दूंगी ज्ञान को ग्रास्प करने का और कल उस ज्ञान को इम्प्लीमेंट करना है क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो उसमें पूरे सिलेबस से, से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे चाहे टेंसिस हो नरेशन हो हो सब्जेक्ट वर्ब हो है ना एरर करेक्शन हो पूरे सिलेबस से, से रिलेटेड पूरे ग्रामर से रिलेटेड कल आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं गॉटेड अभी यहाँ पर हम लोग नरेशन में चलते तो यार सबसे पहले तो नरेशन में चार्टेंट चार्ट है इसको आप लोग प्लीज याद कर लेना अधिकतर बच्चों को मैं देखती हूँ, उन्हें सारे बच्चों को पता है कि रिपोर्टिंग वर्क क्या है ये और नो जल्दी बताइए प्लीज इन द कॉमेंट सेक्शन क्या बच्चों को पता है कि रिपोर्टिंग verb और रिपोर्टेड वर्क क्या है प्लीज टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन राइट नाउ फटाफट फड़ से बताओ मेरी जान रिपोर्टिंग रिपोर्टेड सबको पता है कि नहीं हाँ हाँ मॉडल्स भाई पूरी ग्रामर मतलब क्या होता है बच्चे पूरी ग्रामर मतलब पूरी ग्रामर अगर मेरे मुंह से एक दो टॉपिक नहीं भी निकल रहे इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं होंगे पूरी ग्रामर मतलब पूरी ग्रामर होगी ठीक है कल अभी जो तुम्हें शेड्यूल वाली वीडियो परसों भेजी उसमें क्या बोला कि पूरी ग्रामर ये जो सेशन चल रहे है ना इसमें सब होगा ठीक है इसमें सब होगा इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है बेटा जो नहीं होगा चलिए right, right, right. तो बच्चे बोल रहे मैं, मैं। जो बोल रहे रहे हैं हैं यस मैम मैम नो नो जो ना बेटा वो तो क्लासेस में आना मतलब लगातार शुरू कर दो ठीक है देखो मैं अभी शॉर्ट में समझा देती हूँ क्योंकि आज चार्ट वाली क्लास है तो मैं पूरा तो नरेशन आज नहीं पढ़ा सकती बट हाँ सेवेंटी परसेंट नरेशन आपको समझ में आ जाएगा अगर आप ये कर लेते हो आगे चलकर अभी मैराथन वगैरह लूंगी पूरे पूरे ग्रामर का एक एक टॉपिक तब दोबारा से दोबारा से भी समझाऊंगी ठीक है so, सो यहाँ पर देखो यार चलो ठीक है ये नहीं पता अगर और और थोड़ा सा आसान करके पूछती हूँ लाइन लिखी होती है क्वेश्चन में और उससे बाहर भी कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं क्या ये पता है आपको माने कि फॉर एग्जांपल ये लिखा है ही सेड टू मी आई नेवर ईट स्वीट्स ये तो सबको पता होगा अब मैं बता देती हूँ कि जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाली वर्ब होती है उसे रिपोर्टिंग बोलते हैं अब इसे आप याद कैसे कर सकते हो ये मैंने अपने बच्चों को बता के रखा है है कि मान लीजिए आपके घर पे कोई आया द फर्स्ट थिंग ही और शी विल डू इज कि वो आपकी घंटी बजाएंगे आपकी घंटी नहीं मतलब आपके घर की घंटी बजाएंगे टिंग टोंग तो उससे आपको पता चलता है कोई बाहर है तो वैसे ही आप लोग याद कर सकते हो कि इन्वर्टेड कॉमा से जो बाहर है वो रिपोर्टिंग वर्ब है ठीक है और इन्वर्टेड के अंदर वाली जो वर्ब है जो क्रिया है वो रिपोर्टेड वर्ब है ठीक है इतना समझ में आ गया अब यहां पर ये चार्ट किस काम का है अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब जो है थोड़ा पेन को कर लेते हैं ध्यान दीजिए अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है तभी आप ये चेंजेस करेंगे तभी ये चार्ट अप्लाई होगा अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब माने जो बाहर वाली वर्ब है वो सिंपल सॉरी uh, वो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो आप इस चार्ट को अप्लाई नहीं करोगे कहने का क्या मतलब है मैं दोबारा बता देती हूँ अगर ये वाली जो वर्ब है ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है जैसे अभी ये पास्ट में है अगर ये पास्ट में है तो जो अंदर वाला इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का सेंटेंस है मतलब उसका टेंस चेंज होगा अगर ये आपका फ्यूचर या प्रेजेंट में है तो मतलब अंदर वाले जो सेंटेंस है उसका जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा इतना समझ में आया यार यस मैम बोल दिया करो यार प्लीज मेरे को ना ऐसा डर लग जाता है पता नहीं समझ भी रहे हो नहीं समझ रहे हो ना तो ज्यादा बच्चे होते हैं डर लग जाता है कि यार समझ में आ रहा है नहीं आ रहा तो एक बार ही ना यस मैम बोल दिया करो तो मुझे भी लगेगा कि हाँ यार मैं कैमरा को नहीं पढ़ा रही मैं मेरे बच्चों को पढ़ा रही हूँ ऐसे मुझे भी लगेगा ठीक है हाँ तो अभी यहाँ पर देखिए अब अगर आपको अंदर वाला टेंस चेंज करना है अगर आपको किसी भी चीज को चेंज करना है तो आपको पहचानना जरूरी है ना पहले मान लो मान लो आप बोल रहे हो मैम मेरे को चेंज होना है है ना मैं बोलूंगी भाई क्यों क्यों होना है तेरे को चेंज तू है क्या मतलब आपकी ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो आप चेंज करना चाहते हो तो मतलब आपको अंदर से पहचानना जरूरी है आप क्या हो कि मैम मैं बहुत रूड हूं या मैं, मैं ऐसा हूं मैम मैं स्पैमर हूँ मैम मैं फलाना हूँ राइट तो आपको पता होना चाहिए किसी को भी चेंज करने के लिए पता तो होना चाहिए कौन सा टेंस है किस में चेंज करना है राइट right? तो टेंस को पहचानना आना चाहिए अब यहाँ पर आप लोग कमेंट करके बताइए आई नेवर ईट स्वीट्स में कौन सा टेंस लगा हुआ है जल्दी बताइए आई नेवर ईट स्वीट जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमारा सेंटेंस है उसमें कौन सा टेंस लगा हुआ है जल्दी बताओ फ्यूचर में कैसे हो सकता है वर्ब। विल से हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन में विल से होता है राहुल विल से टू मी बताओ जल्दी बताओ सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना तो इसलिए ये चार्ट में है कि अगर अंदर है, तो आपको तो पास्ट में, तो में बदलना है समझ में आया था? तो इस तरीके से आपको इस चार्ट को याद करना है नरेशन के लिए टेंसिस को पहचानना बहुत जरूरी है अभी अभी मैंने आपको टेंसेस के रूल समझाए कि आपको किस तरीके से टेंसिस को पहचानना है समझ में आया बट ये रूल तभी अप्लाई होंगे जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब बाहर वाला वर्ब पास्ट में है ध्यान देना हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कि आपका जो इनवर्टेड कॉमा से बाहर वाला वर्ब है वो पास्ट में है कि नहीं अगर वो प्रेजेंट में है सेज लिखा है या फ्यूचर में है विल से लिखा है तो आप ये चेंजेस नहीं करेंगे जो ऊपर टेंस है टेंस को पहचानोगे कि सिंपल प्रेजेंट है तो नीचे भी सिंपल प्रेजेंट ही रखना है गॉट इट एवरी वन अब यहाँ पर मैं आपके लिए एक एक और चीज आसान करने के लिए लिख देती हूँ आप लोग प्लीज ये जो मैं लिख रही हूँ ना नहीं तो आप श्योर हो जाओ हंड्रेड परसेंट प्रिंट निकलवाएंगे वरना आप प्लीज इसको अभी मेरे साथ साथ कॉपी में लिख लो ठीक है मैं आपका काम और आसान कर रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरे बच्चों को किसी भी तरीके की दिक्कत आए ठीक है मैम आपका बॉयफ्रेंड है बेटा नहीं मैंने छोड़ दिया ये काम दिल टूट गया था मेरा चलिए So, यहां पर प्रेजेंट इन डेफिनेट की पहचान क्या है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा या एस एस ई साथ में लगा हो नहीं भी लगा होगा होगा भी तो खाली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा पास इन में बदलना है तो सिंपली आप इसको वर्ब के सेकेंड फॉर्म में बदल दोगे ठीक है अब आगे मैं आपको बताती हूँ प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगा होगा हो के थर्ड फॉर्म के साथ

आपको पूरा सेम रखना है इज एम आर को बस आप वॉज वर में बदल दोगे ठीक है अब आगे देखो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या लगा होगा भाई अगेन मैं बता रही हूं हैव या हैज बीन लगा होगा ठीक है आप उसे हैड बीन में कर दोगे पास्ट परफेक्ट में समझ में आया तो आपकी सहूलियत के लिए मैं ये भी लिख रही हूं तो आई होप कि आपको अब कोई डाउट नहीं होगा आगे चलते हैं अगर कोई सेंटेंस ऑलरेडी पास्ट इनडेफिनेट में है तो आपको क्या करना है आपको उसका क्या बिगाड़ना है पास्ट इनडेफिनेट के सेंटेंस को भी आप पास्ट परफेक्ट में ही करोगे यानी कि अगर कहीं ऑलरेडी वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा है तो आप उसको हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में बदल दोगे ठीक है ऐसी पास्ट कंटीन्यूअस है मतलब अगर ऊपर वाज और वर्ड लगा हुआ है तो आप क्या करोगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस माने हैड के साथ बीन में उसको बदल दोगे साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी दो ऐसे टेंस हैं जिनमें हम लोग टेंस को चेंज नहीं करते अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब ठीक है अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में भी है तब भी आप इन को चेंज नहीं कर सकते एक है पास्ट परफेक्ट और एक है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तो अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पास्ट परफेक्ट है और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो आप उसे चेंज नहीं करोगे इज दिस क्लियर ठीक है सो आई होप दिस इज क्लियर ये चार्ट प्लीज अपने दीवार पे लगा लेना और जब आपको ये रोजाना दिखेगा कल हम क्लास में इसके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी ठीक है समझ में आ रहा है जिन बच्चों ने नरेशन का लेक्चर नहीं देखा बिल्कुल ही नरेशन नहीं देखा अभी तक हो सकता है उन्हें ये समझ में ना भी आए ठीक है तो वो बच्चे थोड़ा सा वेट करें नरेशन की क्लास होने वाली है

So, ये चार्ट याद कर लेना अब इसको मैं आपको भी दे देती हूँ देखो सबसे पहले मान लो है रिपोर्टिंग किस में है लिखा है, में है मतलब अंदर वाला टेंस भी चेंज होगा अब अंदर वाला टेंस कौन सा है अभी आपने मुझे बताया था मैम प्रेजेंट सिंपल है प्रेजेंट सिंपल किसमें चेंज होता है पास्ट सिंपल में मतलब ये जो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है जैसे कि मैंने पीछे भी लिखा कि ये जो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है आप आप उसको वर्ब वर्ब के के फर्स्ट फॉर्म फॉर्म है उसे के में बदल दोगे राइट सो so पर ही ही टोल्ड मी दैट नेवर एट स्वीट हो जाएगा अभी ये ही कैसे बदला ये कैसे बदला ये मैं आगे बताऊंगी उसका चार्ट आपको आगे दूंगी बट आप इतना समझो कि जो वर्ब का सेकेंड फॉर्म था उसे हमने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म था उसे हमने सेकेंड फॉर्म में बदल दिया ईट का हमने एट कर दिया Got it? बेटा फ्यूचर आएगा ना अभी सब्र करो थोड़ा पेशेंस रखा करो ठीक है अब यहाँ पे एक और चीज आप लोग आ, अपने साइड में लिख लीजिए यहाँ पर लिख लीजिए ये आपका चार्ट है फ्यूचर के लिए ठीक है और इसी के साथ आप लिख लीजिए अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब से है सेज है सेड है तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा या विल से है तो कोई चेंज नहीं आएगा ठीक है ऐसे ही रहेगा बट अगर इनके साथ टू लगा हुआ है मान लो से के साथ टू, है, सेस के साथ टू है सेड के साथ टू है तो आप क्या करोगे तब आप बदल दोगे टेल में यहां पे टेल्स में और यहां पे टोल्ड में तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है तीन चीजें जो आपको याद रखनी है ठीक है डर तो बेटा लगेगा ही ना बट डर पे जीत हासिल करनी है ना पढ़ना है ना अब हम यही पूरा दिन देखते रहेंगे डर लग रहा है डर लग रहा है तो, तो फिर हो जाएगा सारा काम ठीक है एंड प्लस मैम बाहर वाला कैसे पता चलेगा बेटा बाहर वाला आपको पता चलेगा ना कि से है तो प्रेजेंट है सेड है तो पास्ट है इतना तो सबको पता है नरेशन हाँ, आपको कंफ्यूजिंग लगेगा अगर आपने मैं क्या बोल रही हूँ पहले नहीं देखा है अगर पहले देख रखा है तो इतना कंफ्यूजिंग नहीं लगेगा और नहीं देखा है तो वेट करो क्लास का अब यहां पर ये ये याद रखो ये क्या है फ्यूचर का चार्ट है तो अगर विल और शैल होगा तो वो आपका वुड और शुड में बदलेगा कैन होगा तो कुड में बदलेगा मे होगा तो माइट में बदलेगा बट अगर यही चीजें आपकी डायरेक्ट यानी कि इन्वर्टेड कॉमा में लिखी होंगी Could, शुड वुड माइट तो आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है ben, no change. कुछ भी चेंज आपको तब नहीं करना. ठीक है तो याद रखना ऊपर है, तो नीचे कुड में बदलेगा ऊपर है, नीचे माइट में बदलेगा ठीक है क्वेश्चन में अगर विल और शैल है तो वुड और शुड में बदलेगा बट अगर क्वेश्चन में ही वुड शुड कुड माइट है तो उसमें कुछ भी आपको चेंज नहीं करना गॉट इट अब यहां पर ये है आपका पर्सन ठीक है पर्सन वाला चार्ट है यहां पर एक सेकंड देना हां तो एक और चीज इन्हीं के साथ लिख लो कि अगर फर्स्ट पर्सन में है अब फर्स्ट पर्सन क्या होता है बहुत बच्चों को ये भी नहीं पता होगा तो मैं बता देती हूं देखो फर्स्ट पर्सन होता है आई वी जैसे कि मैं जो बात कर रहा है तो फर्स्ट पर्सन अगर आपके इनवर्टेड कॉमा के अंदर है तो वो आपका बदलता है बेटा रिपोर्टिंग वर्ब जो बाहर वाला वर्ब है उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ठीक है अगर आपका सेकंड पर्सन है माने कि यू है ना तुम सेकंड पर्सन मतलब जिससे बात हो रही है तुम वो बदलता है बेटा आपके रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ठीक है और थर्ड पर्सन में कोई भी चेंज नहीं आता थर्ड पर्सन में नो no चेंज तो ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए अभी मैं आपको एग्जाम्पल भी बताऊंगी ठीक है इज इट क्लियर ठीक है यार ये बच्चे मैंने आपको कल भी बोला है परसों भी बोला है आपके जितने भी लिटरेचर से रिलेटेड डाउट्स है परसों सुबह हमारी क्लास है मैंने आपको पूरा टाइम टेबल भी दिया है कि है कितने बजे क्लास परसों सुबह की क्लास में आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड 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 लेटर डायलॉग की वर्ड ये सारी चीजें कवर होने वाली है ना अभी क्या है मैं ग्रामर पढ़ा रही हूँ आप लिटरेचर पे फोकस कर रहे हो जब मैं लिटरेचर पढ़ाऊंगी फिर आप ग्रामर पे फोकस करोगे तो बेटा प्लीज अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको समझ लो ठीक है हिंदी का बोल चुकी हूँ अठारह से पढ़ाऊंगी फिर भी उसकी अगर बेटा आप दस चीजें अपने दिमाग में रखोगे ना आपको एक भी नहीं आएगी अगर मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ दिमाग में SST, हिंदी मैथ साइंस सब घुसा पड़ा है ना फिर कुछ नहीं आएगा अभी अभी प्रेजेंट में फोकस करो ठीक है समझ में आया ये अब ये बहुत बच्चों वाला चार्ट है बट मुझे लगा मुझे दे देना चाहिए तो ये तो आपको पता है ना अगर नॉमिनेटिव केस में वी है तो ऑब्जेक्टिव केस में आर लगेगा फॉर एग्जाम्पल वी लॉस्ट आर बैग्स वी लॉस्ट वी बैग्स नहीं होगा तो बाद में आर लगेगा ऐसी आई का माई यू का योर ही का हिज ही लॉस्ट हिज बैग शी का हर दे का देर तो ये वाला जो चार्ट है वो याद रखना मैं एक एग्जाम्पल आपको बता देती हूँ जैसे यही एग्जाम्पल अभी हमने किया था He said to me, I never eat sweets. अब देखो, he का he लिखा, said के आगे to लगा हुआ है, तो मैंने आपको अभी अभी इससे पहले बताया था अगर सेड के आगे टू लगा है तो आप क्या करोगे यहां पर ये देखो कहां गया अगर के आगे टू लगा है, तो वो में बदलेगा राइट और रॉन्ग तो यहां पर हमने कर दिया ही टोल्ड मी यहां तक हो गया इनवर्टेड कॉमा हटा लगा दिया इतना आई होप सबको क्लियर है इसमें कोई डाउट नहीं है हमें राइट अब यहां पर आई क्या है मेरा फर्स्ट पर्सन अभी अभी मैंने बताया फर्स्ट पर्सन जो आपका बाहर वाला वर्ब है उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है तो यहां पर ही लगाए इसलिए हमने यहां पर ही लगा दिया। समझ में आया? कि first person है, तो, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता सो ही नेवर ईट का हो गया सेकेंड फॉर्म एट स्वीट ऐसे ही अगर आप देखोगे राम सेट टू शाम आई एम वॉचिंग टीवी तो यहां पर आप लोग सबसे पहले देख सकते हो कि भाई सेट मेरा पास टेंस में है रिपोर्टिंग वर्क मतलब अंदर वाले का जो टेंस है वो भी मुझे चेंज करना पड़ेगा अंदर वाला टेंस भी मेरा चेंज होगा राइट अब चेंज करने के लिए सबसे पहले पहचानो आई एम वॉचिंग टीवी कौन सा टेंस है जल्दी से बताओ इन द कमेंट सेक्शन आई एम वॉचिंग टीवी कौन सा टेंस है जल्दी बताओ वॉचिंग टीवी कौन सा टेंस है जल्दी बताओ बेटा वेरी गुड सृष्टि वेरी गुड वेरी गुड प्रियांशु रॉय यस वेरी गुड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस किसमें बदलेगा अब ये बता दो मुझे फटाफट से स्पैम कर दो ये जो चार्ट मैंने दिया है उसके अकॉर्डिंग प्रेजेंट कॉन्टेनियस किस में बदलेगा कौन से टेंस में बदल दू मैं प्रेजेंट कॉन्टेनियस को ये बता दो एक बारी फटाफट -फड़ से

तो समझ में आया अभी कि किस तरीके से हमें इन चार्ट को इस्तेमाल करना है ये भी एक इंपॉर्टेंट चार्ट है इसको प्लीज आप लोग याद कर लीजिए ये तो इसमें कोई लॉजिक नहीं है ये आपको याद ही करना पड़ेगा मैं दोबारा बोल रही हूँ जिन बच्चों को बिल्कुल भी नरेशन नहीं आता वो प्लीज दिक्कत ना ले ये उन बच्चों के लिए जिन्हें आता है जिन्हें चार्ट्स की जरूरत है आप अभी ये चार्ट्स को प्लीज निकलवा के अपने लगा लो जिस दिन मैराथन लूंगी बेसिक से समझाऊंगी एक एक चीज तो क्लियर हो जाएगा डरो मत ठीक है यहाँ पर दिस दैट में बदलेगा दिस दो में बदलेगा तो ये हमें पता है बट फिर भी एक चार्ट दे दिया कि रोजाना नजर पड़ेगी तो आपको समझ में आ जाएगा जैसे नाउ देन में बदलता है ये इंपॉर्टेंट है अगो बिफोर में बदलता है दस सो में बदलता है टुडे दैट डे में टुमारो नेक्स्ट डे में यस्टरडे प्रीवियस डे में तो इस तरीके से आप लोग याद कर लेना अब एक्टिव पैसिव बहुत सारे बच्चों के सिलेबस में है सीबीएसई में नहीं है तो जिन बच्चों के सिलेबस में है उनके लिए मैंने ये चार्ट दे दिया आप प्लीज याद रखना इसको एक्टिव पैसिव को ठीक है तो बस उस एक्टिव पैसिव के लिए एक ही चार्ट है जो आपको याद रखना है। आपको पता है, पैसिव में हम का चार मार्च को पेपर है तो बाद में कराऊंगी मैं एक्टिव पैसिव दोबारा से अगर आपको अभी करना है ऑलरेडी चैनल पे लेक्चर है आप कर सकते हो ये एक इंपॉर्टेंट चार्ट है इसे याद रखना अब हम लोग चल रहे हैं आगे किस पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे ठीक है जी तो subject agreement के जो नोट्स हैं वो मैं आप ही साथ साथ हूं और समझाने वाली हूँ आर यूज रेडी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बट अगर आपको टेंसिस क्लियर है ना तो ये आप झट से कर लोगे इसमें कोई घबराने वाली बात ही नहीं है ठीक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बाद हम राइटिंग सेक्शन पे चलेंगे ठीक है तो ये आपके तीन टॉपिक्स की चीटशीट हो गई टेंसिस की नरेशन के चार्ट्स की अगर ये चार्ट्स आपको अच्छे से आ गए तो आप ये मान लो कि नरेशन में 85 से 90% परसेंट आपका डन हो गया अगर आपको ये आता है आपको और कुछ एक्स्ट्रा दो चार चीजें जो करनी है जो मैं कराऊंगी वरना मैक्सिमम पार्ट आपका हो गया टेंसिस तो पूरा ही हो गया ठीक है बाकी जो आपके मॉडल्स है उसमें कोई ऐसा चीटशीट है नहीं है ना क्योंकि उसमें बहुत पॉसिबिलिटीज एंड सेम विद योर डिटर्मिनर्स ये खाली प्रैक्टिस से होगा जो मैं आपको कराऊंगी कल ठीक है कल आठ बजे वाली क्लास में अभी के लिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो शॉर्ट नोट्स हैं जो मैंने आज तक आज तक मैंने पूरे बनाकर किसी को नहीं दिए वो मैं आप लोगों को देने वाली हूँ तो एक बार से सारे बच्चे कमेंट कर दो स्पैम कर दो मैम वी आर रेडी फिर शुरू करते हैं

ठीक है और अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो आप प्लूरल वर्ब लगाओगे ये आपका सबसे पहला और सबसे बेसिक रूल है ठीक है अब मैं आगे से इसको लिखने वाली हूं सिंगुलर सब्जेक्ट को एस एस और सिंगुलर वर्ब को एस वी प्लूरल सब्जेक्ट को पी एस और प्लूरल वर्ब को पी वी तो याद रखना ये आपका सबसे पहला और सबसे ज्यादा बेसिक रूल है ठीक है इसका मैं सबसे ज्यादा आसान एग्जाम्पल दे देती हूँ मान लो ही है सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ही इज अ बॉय होगा है ना इज आएगा सिंगुलर वर्ब आर नहीं आ सकता आर हमारा प्लुरल वर्ब है तो ये बिल्कुल गलत हो जाता है ठीक है एक मैं आपको लिस्ट भी बनवा देती हूँ सिंगुलर वर्ब और प्लुरल वर्ब की वैसे मैंने एक शॉर्ट भी डाला था चैनल पे जिससे आपको पता चला होगा बट जस्ट इन केस आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर आप लिस्ट बना लीजिए कि सिंगुलर वर्ब कौन कौन से होते हैं और प्लूरल वर्ब कौन कौन से होते हैं ठीक है तो सिंगुलर वर्ब में आपका हो गया इज प्लूरल वर्ब में हो गया आर यहां पर सिंगुलर वर्ब में हो गया आपका वॉज प्लूरल में हो गया वर यहाँ पे हो गया हैज यहाँ पे हो गया है और कुछ याद आ रहा है क्या और 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 और, और. आई गेस यही था बाकी मैंने एक बारी में देख लेती हूँ मैंने एक शॉट भी डाला था बनाकर। पता नहीं कब डाला था मैंने हाँ डू और डज हो गया सिंगुलर हो गया डज प्लूरल हो गया तुम्हारा डू ठीक है और तो तुम ही के साथ भी लगाते हो दे के साथ भी लगाते हो ना हाँ ना विल तो तुम ही के साथ भी लगाते हो दे के साथ भी लगाते हो तो वो तो बिल्कुल वही है और एम तो खाली आई के साथ ही लगता है तो उसमें तो कोई बात ही नहीं है एम तो खाली तुम्हारा आई के साथ ही लगेगा ये वैसे मुझे मिल भी गया है एक सेकेंड रुको हा यही सारे हैं सबसे पहले है तुम्हारा इज और आर इज तुम्हारा सिंगुलर है, है वो सिंग्यूलर है वर तुम्हारा प्लुरल है ठीक है दोनों ही पास्ट कॉन्टिनेंस में तुम लोग लगाते हो इज एम आर को हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिनेंस में लगाते हैं ये भी तुम्हें पता है

ठीक है इसका मैं एक और एग्जाम्पल दे देती हूँ मान लो मैंने यहाँ पर लिखा है अमर तो अमर क्योंकि सिंगुलर तो 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 हाँ लिखती हूँ प्रिया ड्रिंक वाटर तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि अभी अभी हमने टेंसिस में सीखा और यहाँ पर भी सीखा कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो जो वर्ब है ना वो भी हमारा सिंगुलर होना चाहिए और सिंगुलर वर्ब के साथ हम एस और एस लगाते हैं राइट यहाँ पर एस एस नहीं लगा तो ये पूरा सेंटेंस गलत हो गया प्रिया ड्रिंक्स होना चाहिए ठीक है तो इस बात का ध्यान देना है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब प्लूरल प्लूरल वर्ब नेक्स्ट पे आ जाओ रूल नंबर टू पे फटैक से ठीक है अब रूल नंबर टू देखो क्या बोल रहा है आगे बढ़ते हैं ध्यान देना बोल रहा है जब भी आपके पास दो नाउन हो ठीक है और मैं ये बता दूं इस टॉपिक का कराया हुआ एक सेम क्वेश्चन लास्ट ईयर डिट्टो बोर्ड के पेपर में आया था ब्रेड एंड बटर वाला हमेशा मैं बताती हूँ तो तो अब सेम में नहीं आएगा तो मिलता जुलता जरूर आएगा इन रूल्स को प्लीज याद रखना ठीक है प्लीज याद रखना इनको तो यहाँ पर देख लो बोला गया है ध्यान दीजिए अगर आपके पास दो नाउन है ठीक है दो नाउन है और अगर वो एंड से जुड़े हुए हैं यानी कि उनके बीच में एंड लगा हुआ है तो आपको क्या करना है आपको प्लूरल वर्ब लगाना है पीवी लगाओगे प्लूरल वर्ब यह आपका रूल नंबर टू फटैक से आपको मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ जैसे मान लीजिए यहाँ पर अपन ने लिखा हुआ है सीता एक नाउन हो गया एंड लगा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है गीता तो अपने पे क्या है दो नाउन है और एंड से जुड़े हैं सीता एंड गीता डैश फ्रेंड्स अगर मान लो ये क्वेश्चन आया है तो यहां पर आप लगाओगे प्लूरल वर्ब आर फ्रेंड ठीक है अगर ऑप्शन में है इज और आर तो क्या लगाओगे आर फ्रेंड तो हमेशा याद रखना अगर दो नाउन है नो वॉइस तो आ रही है नो no वॉइस क्या ठीक है सो सीता एंड गीता आर फ्रेंड जब भी दो नाउन एंड से जुड़े हैं प्लूरल वर्ब आप लोग लगाओगे सो आई होप दिस इज क्लियर नेक्स्ट आप लोग आ जाओ यहीं पर रूल नंबर थ्री क्या बोल रहा है रूल नंबर थ्री अगेन आपको बोल रहा है कि भाई आपके पास दो नाउन है ठीक है अगेन आपके पास क्या है बेटा जी दो नाउन है वो बोल रहा है कि दोनों नाउन आपके दोबारा से एंड से जुड़े हैं बट यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि दोनों में से किसी के भी साथ द लगा हुआ है एक के साथ किसी एक के साथ अगर द लगा है ठीक है ध्यान से सुन लो इसको प्लीज ध्यान से सुन लो ठीक अगर आपके पास दो नाउन है एंड से जुड़े हुए हैं और एक के साथ भी अगर द लगा हुआ है चाहे वो इस वाले के साथ हो इसके साथ एक के साथ तो आप क्या करोगे आप यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगाओगे कुछ बच्चे बोलेंगे दोनों के साथ द लगाए तो तो प्लूरल आएगा ठीक है अगर एक के साथ द लगा है तो आप लोग सिंगुलर वर्ब लगाओगे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे लिख रही हूं द डॉक्टर द डॉक्टर एंड नर्स डैश प्रेजेंट है ना ब्रैकेट में है बॉज और वर तो आप लोग बताओ क्या आएगा यहां पे जल्दी बताओ क्या आएगा यहां पर क्या आएगा यहां पर जल्दी बताओ जल्दी जल्दी क्या लगाऊंगी यहां पर एक ही के साथ दौ है यहीं पर द है नर्स के साथ द नहीं है यस वॉज आएगा यहाँ पे द डॉक्टर एंड नर्स वॉज प्रेजेंट वर प्रेजेंट यहाँ पर नहीं होगा इसका आप लोग ध्यान दीजिएगा ठीक है अब नेक्स्ट चीज जो है नेक्स्ट रूल हमारा क्या है अगेन यहाँ पर बोल रहा है कि भाई हमारे पास दो नाउन है ठीक है यार इसको ना मैं आगे कर दू बार बार मुझे ऊपर चढ़ना पड़ रहा है एक सेकेंड एक सेकेंड देना अब ठीक है ठीक है तो यहां पर अगेन ये क्या बोल रहा है बोल रहा है भाई हमारे पास ना दो नाउन है दोनों एंड से जुड़े हुए हैं अभी भी ठीक है दोनों में क्या है दोनों ही एंड से जुड़े हुए हैं और अगर इनमें से किसी एक में भी किसी एक में भी कोई वस्तु यानी कि किसी थिंग की बात हो रही है किसी नॉन लिविंग चीज की बात हो रही है तो आप क्या करेंगे भाई आप सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे क्या करेंगे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे ठीक है इसी में ब्रेड एंड बटर वाला एग्जाम्पल भी आया था मैं आपको बता देती हूं यस yes, तो इसमें आया था लास्ट ईयर ब्रेड एंड लक्कर बटर डैश टेस्टी इज आर तो बहुत सारे बच्चे जो सिर्फ पढ़कर कटने वाले वो आर लिखेंगे ब्रेड एंड बटर आर टेस्टी राइट बट यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि दोनों चीज है कोई चीज की बात हो रही है कोई लिविंग थिंग नहीं है सो so यहाँ पर आएगा इज टेस्टी ब्रेड एंड बटर इज टेस्टी ठीक है तो अगर दोनों में से किसी एक में भी चाहे तो दोनों में या किसी अगर एक में भी कोई चीज है मान लो हॉर्स एंड कैरेज तो हॉर्स आपका लिविंग थिंग है कैरेज मतलब घोड़ा गाड़ी जो है वो हमारा नॉन लिविंग है तब भी आप सिंगुलर लगाओगे तो अगर किसी एक में भी कोई चीज की बात हो रही है तो आप सिंगुलर लगाओगे क्या यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है ठीक है फटाफट -फड़ से आगे बढ़ते हैं अब हम रूल नंबर फाइव पे सो आई होप के इतना आपको समझ में आ रहा होगा रूल नंबर फाइव क्या बोल रहा है ध्यान दीजिए लिखा हुआ है कि अगेन यहां पर दो चीजें हैं एंड से जुड़ी हुई है बट ये चीज क्या है ये है डिजिट्स तो आप सिंगुलर वर्ब लगाओगे ठीक है फॉर एग्जाम्पल मान लो यहां पे लिखा है टू एंड टू डैश फोर ब्रैकेट में है मेक तो आपको पता है कि अगर सिंगुलर करना है तो एस सी एस जोड़ना पड़ेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा मेक्स टू एंड टू मेक्स फोर तो ध्यान देना है कि जब भी दो हो एंड से जुड़ी हो आप क्या करोगे सिंगुलर वर्ब लगाओगे ठीक है इसके बाद राइटिंग सेक्शन भी है तो प्लीज थोड़ा सा यार इंटरेस्ट दिखाओ ठीक है ऐसा नहीं है कि एक घंटे में बैटरी डेड ऐसे तो फिर जब मैराथन चलेगी छह से सात सात घंटे तो कैसे बैटरी ऑन रहेगी तब तो फिर बैटरी डेडी हो जाएगी बच्चों की हाँ? ऐसे तो नहीं चल पाएगा चलो अब नंबर सिक्स क्या बोल रहा है नंबर सिक्स तो बोल रहा है भाई इनो क्या मैम इनो मैम गैस थोड़ी हो रही है, जब होती है तभी तो हम इनो पीते हैं इनो नहीं पीना तो वन कर दो नहीं, उल्टा कर दो मैम अब आपने ये क्यों करा आप क्या करते हो देखो so, अपने का लख, लिखने के पीछे मकसद क्या है ना ये मैं आपको बता दूं पहले तो खुला खुला इनो लिखो भाई वैसे इतनी गैस है इनो को दब के रहना पसंद नहीं है ठीक है so, सो यहां पर अब इसके नीचे लिखिए ईच नीच नहीं एच, एवरी, इदर, एवरी वन यानी कि E4 N6 अब N6 में क्या क्या है लिखना शुरू करिए नीदर नो नैन नथिंग नथिंग बट ठीक है और नाउन आफ्टर नाउन यानी कि एन सिक्स अब ओ में लिखना शुरू करिए वन वन ऑफ यानी कि ओ टू ठीक है और इसके अलावा दो और चीजें लिख लीजिए थिंग जैसे कि एनी थिंग हो जाता है पीछे थिंग आ गया बॉडी जैसे कि एनी बॉडी हो जाता है ठीक है बस और कलेक्टिव नाउन ये याद करने में थोड़ा एक दिन का समय लग सकता है दिमाग में बिठाने में इन सभी के साथ आप लोग सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हो ईनो आपको क्यों बताया है ताकि आपको याद करने में आसानी हो ई4n6o2 है ना जैसे कि कोई इक्वेशन होता है साइंस का तो ई4n6o2 समझ में आया क्लास कब तक चलेगी बेटा मैं इसे कैसे बता दूं बताओ मुझे क्या पता बेटा ना अभी इसके बाद राइटिंग भी है तो थोड़ी सी देर और चलेगी बच्चे ठीक है हां जी ऑल राइट सो यहां पर अगर मैं आपको एग्जाम्पल देती हूं तो एग्जाम्पल आपको पढ़ के बताती हूं ईच गर्ल एंड बॉय है ईच आ गया तो वो होगा इज गुड आर नहीं होगा ऐसी एवरी गर्ल एंड बॉय आ so आ गया every आ गया either हो गया हो गया हो हो है ना आप क्या लगाओगे पे singular either नहीं नहीं खाली जैसे होगा ठीक है समझ में आया नीदर गर्ल इज बेस्ट तो इसलिए इन सब के साथ आप सिंगुलर लगाओगे क्लियर अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कलेक्टिव नाउन माने की जैसे मैं अगर लिख रही हूं अ टीम ऑफ प्लेयर्स अ टीम ऑफ प्लेयर्स डैश कमिंग तो सिंगुलर वर्ब आएगा इज कमिंग आर कमिंग नहीं होगा क्योंकि भाई जैसे मान लो हमारी क्रिकेट टीम है टीम तो एक ही है ना भले ही उसके अंदर बहुत सारे प्लेयर्स है राइट बट यहां पर टीम तो एक ही है सो कलेक्टिव नाउन है सिंगुलर वर्ब लगाएंगे इज दिस क्लियर और ये नाउन आफ्टर नाउन क्या है देखो नाउन आफ्टर नाउन मतलब कोई नाउन लिखा है मान लो शिप बीच में आफ्टर लिखा है फिर शिप लिखा है तो शिप आफ्टर शिप डैश डिस्ट्रॉयड तो हो जाएगा शिप आफ्टर शिप इज डिस्ट्रॉयड ठीक है शिप आफ्टर शिप इज डिस्ट्रॉयड गॉट इट बेटा ये बता दो ये क्लियर है छह रूल अगर आपको क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी बता दो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस पे क्वेश्चन आते हैं और बहुत आसान है ये टॉपिक छोड़ के जाना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी तो अगर अभी आपको हेक्टिक लग रहा है तो वो इसलिए क्योंकि आपने पूरा साल पढ़ाई नहीं करी होगी अगर आप अभी से भी प्लीज इसके चार्थ निकलवा के लगा लोगे रोजाना नजर जाएगी दिन रात अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा ठीक है चलिए अब नेक्स्ट देखिए रूल नंबर सेवन रूल नंबर सेवन क्या बोल रहा है दिवाली में बम फोड़ते हो तो बम लिख दो यहां बम्स बी एम एस ठीक है इसको ऐसे याद रखो कि दिवाली में बम फोड़ते हैं ना बम बम तो वैसे बम्स याद रख लो बी एम एस ठीक है अब यहां पर आपको सबसे पहले बी वाले में लिख दीजिए बोथ ए वाले में लिख दीजिए अ फ्यू ठीक है एम वाले में लिख दीजिए मोस्ट एंड मेनी, एस वाले में लिख दीजिए सम एंड सेवरल कितने हो गए सिक्स हो गए ठीक है सो सम हो गया मेनी हो गया बोथ हो गया अ फ्यू हो गया सेवरल हो गया मोस्ट हो गया इसके बाद हमेशा याद रखना है यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो टू टू इसके बाद का जो नाउन होता है और जो वर्ब होता है दोनों ही प्लूरल रहता है दोनों ही प्लूरल रहता है ठीक है जी दोनों ही प्लूरल रहता है क्वेश्चन भी लिखने एग्जाम में नहीं कोई जरूरत नहीं है क्वेश्चन लिखने का ठीक है बेटा सिंगुलर आएगा इधर के साथ इट तो यहाँ पर आप क्या करोगे क्या करोगे यहां पर एग्जाम्पल जैसे कि अगर मैं यहां पे लिख रही हूं सम बॉयज अब आप देख रहे हो सम के साथ बॉयज नाउन भी प्लूरल है तो हम यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल लगाएंगे आर गिल्टी ऐसी many girls are pretty. जॉब सेवरल आर ऑलरेडी ऑन द लोकेशन ठीक है मोस्ट ऑफ द बिस्किट वर इटेन इज इट क्लियर तो इन सबके साथ आप लोग प्लूरल लगाओगे ठीक है अब आगे देखते हैं रूल नंबर एट को मुझे लग रहा है तुम लोगों का पढ़ने का मन नहीं है सच में मेरी एनर्जी डेड हो गई है तुम लोगों के साथ बस टेंसेस ही पढ़ने का मन था तुम्हारा मेरे को लग रहा है छोड़ दू अब पढ़ लो यार ठीक है अब रूल नंबर एट क्या बोलता है रूल नंबर एट बोल रहा है कि भाई देखो लाइफ में ना रूल नंबर एट बोल रहा है कुछ ऐसी डिसीजेस लाइफ में ना कुछ ऐसी डिसीजेस कुछ ऐसी बुक्स ठीक है कुछ ऐसी बुक्स हो गई कुछ ऐसी कंट्री हो गई कुछ ऐसे आपके गेम्स हो गए कुछ ऐसे आपके टॉपिक्स हो गए सबजेक्ट्स हो गए जिनमें ना एस लगा होता है बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्लूरल है फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स तो क्या ये प्लूरल हो गया सिविक्स क्या ये प्लूरल हो गया बताओ मेरे को जल्दी-जल्दी सिविक्स प्लूरल है क्या सिविक्स फिजिक्स प्लूरल है क्या पीछे एस लग गया तो प्लूरल हो गया क्या एक बुक का नाम है गुलीवर ट्रैवल्स क्या वो प्लूरल हो गई क्या बताओ मेरे को जल्दी हाँ जी यूनाइटेड स्टेट्स तो प्लूरल हो गया क्या तो बेसिकली कहने का क्या मतलब है आपको कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा बेटा कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके साथ एस लगा होता है बट वो प्लूरल नहीं होती ठीक है हाँ इकोनॉमिक्स वो प्लूरल नहीं होती तो हम उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल करते हैं इन चीजों का आपको खास तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा ठीक है चलिए अब नेक्स्ट पे आइए यहां से बहुत ही कम रूल बचे हैं तो यहां से प्लीज थोड़ा सा ध्यान देना क्योंकि अक्सर बच्चे यहाँ पे लटक जाते हैं ठीक है अक्सर बच्चे लटक जाते हैं अब रूल नंबर नाइन देखो यहाँ पर क्या बोलता है रूल नंबर नाइन बोल रहा है कि अगर आपके पास दो नाउन है ठीक है और अगर वो कनेक्टेड हैं आपस में ये बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं मैं जितने भी ग्रामर सेशन लेती हूँ ना उनमें बच्चे इसमें अटकते हैं आप लोगों लो को भी पता है जो बच्चे पहले से आ रहे हैं तो मैं हमेशा आपको याद दिलाती हूँ कि मैंने ये पढ़ाया है तो अगर दो नाउन आपके एज वेल एज के साथ अलोंग विद के साथ है ना टूगेदर विद के साथ ठीक है विद के साथ खाली या फिर रेदर देन लाइक के साथ अगर इनमें से किसी के साथ जुड़ रखे हैं तो आप क्या करेंगे अब ये आप एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे देखो लिखा है माई फ्रेंड माई फ्रेंड अलोंग विद अदर्स या अलोंग विद हर सिस्टर्स डैश डांसिंग अब आप मुझे पहले बताइए यहां पर इज लगाओगे कि आर लगाओगे जल्दी बताओ इज लगाओगे कि आर लगाओगे यहाँ पर लगाओगे लगाओगे। आर देखो कुछ बच्चे गिवअप करके बीच में जाए जा रहे हैं तो मैं उनको पकड़ के तो देखो बच्चों बिठा नहीं सकती है ना अगर आप लोग बैठे हुए हो दैट मीनस आप जेन्युनली पढ़ना चाहते हो है ना आप जेनुअनली पढ़ना चाहते हो तो ढंग से दिमाग लगाओ यस वेरी गुड तो देखो क्या है यहाँ पर अलोंग विद है ठीक है एक हो गया माई फ्रेंड और दूसरा सब्जेक्ट है हर सिस्टर्स माई फ्रेंड सिंगुलर है हर सिस्टर्स प्लूरल है हम किसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाए बहुत सारे बच्चे यहाँ आर लगा देते हैं क्योंकि हर सिस्टर्स प्लूरल है बट यहाँ पर आपको क्या करना है अगर कोई भी नाउन इनसे जुड़ रखा है जो मैंने ऊपर लिखा है तो आपको फर्स्ट सब्जेक्ट को देखना है अगर आपका फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे फर्स्ट सब्जेक्ट आपका बेटा जी सिंगुलर है इसलिए अपन ने यहां पर सिंगुलर वर्ब लगाया है इज डांसिंग समझ में आया इज डांसिंग आएगा यहां पर ठीक है इज इट क्लियर ऐसे ही एक और एग्जाम्पल देखती हूं देखो टन टन शी विद हर पेरेंट्स शी With her parents, dash coming. बताओ इस आएगा आएगा कि जल्दी बताओ बेटा इज आएगा कि यार आएगा बेटा भावना मैं सौ बार बता चुकी हूँ मेरी जान क्वेश्चन प्रैक्टिस कल होगा रात को आठ बजे है ना सारे ही टॉपिक्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस कल होगा आठ बजे आज मैं ये चार्ट्स दे रही हूं कि आप लो स्लाइड लग रही है क्योंकि मेरे पे, पे पेज नहीं है मेरे पे बोर्ड है ना? तो आप आज इसको पढ़ लो आज दिमाग लगा लो अब आप ये देखो सोलह सो बच्चे थे तेरह सौ है मतलब तीन सौ बच्चे ऐसे जिन्होंने अप कर दिया बीच में राइट और यही हमारी जर्नी होती है यही आपके एग्जाम की भी जर्नी है लाइफ की भी जर्नी है अब मैं आपको अगर अपना बताऊ ना बहुत लोगों को लगेगा मैं ले रही हूँ बट ऐसा नहीं है मैं अगर आपको अपनी जर्नी बताती हूँ मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम इतनी प्रॉब्लम आई है और अभी भी चल रही है ठीक है जब से मैंने अपना चैनल शुरू करा है माई लाइफ इज नॉट ईजी मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है बीच में मुझे भी बहुत सारे थॉट्स आते हैं कि मैं गिव अप कर दू मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि यार मैं ना सारी चीजें बंद-बंद करके और और मतलब बस बस अपना नॉर्मल नॉर्मल लाइफ इंसान की की तरह कोई जॉब कर खत्म मेरे बस की नहीं हो रहा बहुत आते हैं है। तो मैं खुद को मोटिवेट मेरे कहने का मतलब क्या है कि आपके बोर्ड के एग्जाम की तैयारी में भी ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे जो आपको अच्छे नहीं लगेंगे आपको मजा नहीं आएगा आपको लगेगा अरे यार ये तो बकवास है मुझसे नहीं हो रहा भाड़ में जा थक गया बाद में तो वो हो जाएगा अगर आप वहां पे हिम्मत हार के, गिव अप करके बीच से निकल गए ना तो अब इन नौ दिन में ना बचे हुए नौ दिन में कभी वो टाइम नहीं आएगा जब आप इसको बैठ के दोबारा पढ़ पाओगे ठीक है तो द डिसीजन इज योर्स तो नेवर गिव अप कभी भी क्लास को बीच में मत छोड़ो हमेशा बैठो कुछ ना कुछ तो सीखोगे हमेशा बैठो यस yes. तो यहां पर ये देखो विद से जुड़ रखा है यहां पर आया शी सिंगुलर हर पेरेंट्स आया प्लूरल राइट right? क्योंकि विद के साथ जुड़ रखा है तो यहां पर फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा सिंगुलर इज आएगा शी विद हर पेरेंट्स इज कमिंग ठीक है थीके? बेटा अनुराधा आर नहीं आएगा अभी अभी समझाया बेटा है ना इस कमिंग आएगा चलिए अब चलते हैं हम रूल नंबर टेन पे भाई रूल नंबर अच्छा, को, को मैं हर बार नाच रहा हो पेंट तो दो होती है ना पेंट तो दो होती है मतलब दो होती है इन द सेंस यार दोनों पैरों में पहनते हो ना अब चश्मे अगर मैं मान लो ये चश्मा तोड़ दू यार वैसे बहुत महंगा मेरे पास पैसे भी नहीं है तो अगर मान लो मैं चश्मा तोड़ दू और फिर एक ही पहन लू मतलब हाथों एक, एक में इसको क्या हो गया? है ना ये दो है मैं एक ही में पहन लू कभी देखा आपने ऐसा नहीं देखा ना ऐसा कभी भी तो यहाँ पर मेरे कहने का क्या मतलब है बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जैसे कि गॉगल्स हो गए पजामा हो गया सीजर हो गई राइट स्पेक्टिकल्स हो गए ग्लव्स हो गए जो आप पेयर में पहनते हो जो आप दो पहनते हो राइट अब इन चीजों के साथ ना हमेशा चाहे देखो आपके वो पजामा हो गए मैं यहाँ पर लिख भी देती हूं ठीक है चाहे आपकी सीजर्स हो गई चाहे आपके ग्लास हो गए आपके शूज हो गए आपकी पेंट हो गई आपके स्पेक्टेकल हो गए आपके सॉक्स हो गए ना आपके ग्लव्स हो गए फलाना एक्सेट्रा तो ऐसी चीजों के साथ ना हमेशा आप प्लूरल वर्ब लगाते हो बट अगर इन चीजों के साथ यहाँ पर जुड़ जाता है तो फिर आप सिंगुलर वर्ब लगाते हो क्योंकि पेयर का मतलब तो एक ही है ना पेयर का मतलब तो एक उर्फी जावेद को देख अरे यार वो तो इन्फ्लुएंसर है ना वो भी टैलेंटेड है देखो ऐसी बात नहीं है है ना बच्चों देखो हमें ना ट्रोल नहीं करना चाहिए किसी को लाइफ हर किसी के लिए आसान नहीं होती यार हर किसी की लाइफ डिफिकल्ट है है ना उसने बताया भी अपने एक इंटरव्यू में उसने बोला यार मेरी कंडीशन इतनी खराब थी ना कि मेरे पास कुछ भी नहीं था और जब मैंने मतलब कुछ ऐसा क्रिएटिव करा मैं फेमस होने लगी मेरे पे पैसा आने लगे तो मैंने उसी चीज को कंटिन्यू करा मैं क्यों सुनू दुनिया की दुनिया आकर मेरा घर थोड़ी चला रही है और बात भी सही है बच्चों कोई किसी का घर नहीं चलाता आकर तो जिस हालात में जिसको जो सही लगता है वो वही करता है ना तो हम क्यों किसी को स्पैम करें सो so, पर आप लोग देखो यहां पर लिखा हुआ है अगर मैं यहां पर लिखती हूं कि डैश डर्टी तो मैं क्या करूंगी प्लूरल लगाऊंगी आ डर्टी बट अगर बेटा मैं यहां पर पेयर ऑफ लगा देती हूं पेयर ऑफ शूज डैश क्लीन फिर मैं यहाँ क्लीन सिंगुलर क्योंकि ऑफ लग गया मतलब पेर में में तो तो एक एक ही पेर में तो दो चीजें आ गई ना तो इस चीज का आप लोग याद रखना इलेवन ध्यान से समझना भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो बच्चे कॉमन सेंस यूज नहीं करते वो यहाँ पर नंबर खो देते हैं ध्यान से समझना अगर गवर्नमेंट है ठीक है बोर्ड है कमिटी है ठीक है या ज्यूरी है स्टाफ है अब एक बात बताओ क्या सरकार एक बंदा चला रहा है क्या सरकार एक बंदा चला रहा है क्या हम बोलते हैं कि यार हमें एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनाओ फिर देखो हम क्या? बट ऐसा नहीं है ना सरकार तो बहुत सारे लोग चला रहे हैं बट हम क्या बोलते हैं अरे सरकार हम वर्ड एक ही यूज करते हैं सरकार के अंदर सारे लोग आ जाते हैं जो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है राइट अब आपके स्कूल में स्टाफ होता है स्टाफ में तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं टीचर्स आ जाते हैं है ना हेड टीचर्स आ जाते हैं सब लोग आ जाते हैं ठीक है कहने का क्या मतलब है जो ऐसी चीजें होती है जैसे कि गवर्नमेंट हो गया बोर्ड हो गया अब सीबीएसई बोर्ड है यूपी बोर्ड है राजस्थान बोर्ड है है ना हम बोलते हैं कि अरे सीबीएसई ने ये कर दिया अरे भाई सीबीएसई का क्या कोई लड़की का नाम है क्या, क्या कि उसने कर दिया भाई उस बोर्ड के अंदर बहुत सारे मेंबर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं बट है तो वो एक ही ना राइट अब मान लो अगर ये सारे एक ही डिसीजन दे रहे हैं तो हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे कलेक्टिव नाउन वाली बात हो गई बट अगर भाई इनकी आपस में ही नहीं बन रही ये आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं है आपस में बटे हुए हैं अलग अलग ओपिनियन दे रहे हैं ठीक है तो हम फिर प्लूरल लगाएंगे क्योंकि इनके ओपिनियन बट गए दो ओपिनियन हो गए समझ में आया ठीक है एग्जाम्पल दे देती हूँ तुम्हें जैसे कि मान लो यहां पर मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल द बोर्ड द बोर्ड डैश गिवेन एट रिपोर्ट तो इस सेंटेंस को पढ़ के हमें कहीं से यह तो नहीं समझ आ रहा ना कि कोई बट रखा है अगर मान लो ऑप्शन में मेरे पास गिवन है वह आपका थर्ड फॉर्म है मतलब ऑप्शन में हैज या have है तो मेरे को ये तो नहीं समझ में आ रहा ना कि कोई बट रखा है भाई रिपोर्ट दी है अपने तो मुझे तो यही लग रहा है एक ही रिपोर्ट दी है तो मैं सिंगुलर लगाऊंगी द बोर्ड हैज गिवेन इट्स रिपोर्ट ठीक है बट अगर मैं यहां पर बोलती हूं कि आ स्टाफ डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन हैज और हैव है ना अब यहां पे क्या है डिवाइडेड लिखा है बट रखे हैं अलग अलग ओपिनियन दे रहे हैं राइट तो अलग अलग जब ओपिनियन दे रहे हैं तो अपन क्या करेंगे यहां पे प्लूरल वर्ब लगाएंगे एक ही ओपिनियन दे रहे हैं तो हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे समझ में आ गया सभी बच्चों को किसी को कोई डाउट है कोई दिक्कत है तो भाई लोग पूछ लीजिए प्लीज क्लियर ठीक है जी आगे आ जाइए नंबर ट्वेल्व पे अब बहुत ही ज्यादा कम हमारे पास रूल बचे हैं बिल्कुल ट्वेल्थ रूल के बाद बच्चों वाले रूल हैं ठीक है फिर हम राइटिंग सेक्शन करेंगे बढ़िया तरीके से तो अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए ट्वेल्थ रूल क्या बोल रहा है एक बच्चे ने याद है मैं टेंसेस पढ़ा रही थी तो वो बोल रहा था मैम आई के साथ वर कब लगेगा याद है बच्चों को हाँ हाँ बेटा मैं आपको लिटरेचर के वन शॉट भी दूंगी मैंने क्या बोला मैंने सब प्लान कर रखा है है ना मैं आपको पूरी पूरी बुक्स के मैराथन भी देने वाली हूँ मैं आपको ग्रामर का मैराथन भी देने वाली हूँ क्वेश्चन आंसर्स का भी देने वाली हूँ एवरीथिंग इज प्लान ठीक है लास्ट ईयर भी किया था इस साल भी करने वाले हैं दिक्कत मत लो ठीक है अब यहां पर देखो रूल नंबर ट्वेल्व में ध्यान देना लिख लो रट लो समझ लो इफ लगा है ठीक है एज इफ लगा है एज दो लगा है सपोज लगा है आई विश लगा है इन केस लगा है ठीक है तो यहां पर आप लोग हमेशा वर लगाओगे यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जो रियल नहीं है जो रियलिटी नहीं बताते बट काश ऐसा होता अगर ऐसा हो जाता सपोज कर ऐसा हो जाता राइट तो इन केसेस में हम लोग वर लगाते हैं फॉर एग्जाम्पल बेटा अगर मैं यहां पर बोलती हूं आई विश आई डैश तो यहां पर मैं क्या लगाऊंगी भाई आई विश गया वर लगा दो आई विश आई वर किंग तब आई के साथ वर आएगा समझ में आया Is it clear? Yes, no, तो बोल दो यार चलो अब बहुत ही बच्चों वाले रूल है फटाफट -फड़ से समझा देती हूँ दिमाग में डाल लो यहां पर क्या है अगर अ नंबर ऑफ है ठीक है या ग्रेट नंबर ऑफ है ठीक है तो आप इनके साथ रूरल वर्ब लगाओगे बट अगर नंबर ऑफ है तो आप सिंगुलर वर्ब लगाओगे इसको याद रखना माने अगर मैं बोल रही हूं अ लार्ज नंबर ऑफ बॉयज या फिर अ ग्रेट नंबर ऑफ बॉयज है ना कि अगर मेरे पास अ नंबर ऑफ है खाली या अ ग्रेट नंबर ऑफ है तो मैं क्या करूंगी प्लूरल वर्ब कि अ ग्रेट नंबर ऑफ बॉयज आर डांसिंग बट अगर मेरे पास है द नंबर ऑफ तो मैं सिंगुलर लगाऊंगी द नंबर ऑफ गर्ल्स इज कमिंग तो याद रखना किसी भी सेंटेंस में द नंबर ऑफ लगा हो सिंगुलर वर्ब अ नंबर ऑफ अ ग्रेट नंबर ऑफ लगा हो तो प्लूरल वर्ब अपन लगाएंगे इज इट क्लियर ठीक है है एक लास्ट रूल जिसको आपको समझना है एक लास्ट रूल है रूल नंबर फोर्टीन दैट इट रूल नंबर फोर्टीन यहां पर क्या बोल रहा है रूल नंबर फोर्टीन बोल रहा है अगर किसी भी सेंटेंस में द प्लस विशेषण यानी कि कोई एडजेक्टिव लगा है तो आप हमेशा प्लूरल वर्ब लगाओगे यानी कि एक ऐसा वर्ड यूज करके पूरी कैटेगरी को रेफर कर रहे हैं मान लीजिए यहां पर हमने लिख दिया द पुअर डैश ऑनेस्ट है ना यहां हमने लिख दिया द ब्लाइंड डैश नो आइस अब यहां पर आप देखिए द पुअर मतलब गरीब सारे के सारे गरीब लोगों को पुअर एडजेक्टिव का यूज करके हम लोग सारे के सारे गरीब लोगों को रेफर कर रहे हैं सो द आर ब्लाइंड है द लगा है और द के साथ हम कोई ऐसा वर्ड यूज कर रहे हैं जिससे हम उनकी पूरी की पूरी कैटेगरी बिरादरी को रेफर कर रहे हैं तो हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे समझ में आ गया सभी को बेटा मुझे समझ नहीं आता मैं कितनी बार बताऊं एक बच्चा बोल रहा है मॉडल्स अभी कराओ बेटा आज की क्लास मैंने आपके ग्रामर के चार्ट्स शॉर्ट नोट के लिए रखी है राइटिंग सेक्शन के शॉर्ट नोट के लिए रखी है डिटेल में पढ़ाने वाली जो क्लास है जो मैरेथन है जिसमें एक एक टॉपिक समझाया जाएगा वो क्लास अभी आने वाले दिन में होगी धैर्य रखो आपको पता चलेगा ठीक है क्वेश्चन आंसर से जो रिलेटेड क्लास है बच्चे वो मैंने परसों ही आपको एक वीडियो डाला है आठ बजे क्लास है ताबड़तोड़ ग्रामर की तेरह तारीख को दो क्लास रखी है आपकी पूरे दिन क्वेश्चन आंसर की क्लास है चौदह तारीख को दो क्लास रखी है तो जाकर बच्चे एक बार देखो है ना सारे डाउट्स आपके वहीं खत्म हो जाएंगे ठीक है ईधर और के साथ बेटा सिंगुलर आएगा सिंगुलर चलो बाकी अगर कोई डाउट है तो जब डिटेल में टॉपिक पढ़ाऊंगी तो समझाऊंगी अभी के लिए प्लीज इन रूल्स को लिख कर प्रिंट आउट लगवा लीजिए अब हम चलते हैं राइटिंग सेक्शन पे जाने से पहले एक बार बता दो क्या आपको ब्रेक की रिक्वायरमेंट है दस मिनट का ब्रेक बच्चे बोल रहे हैं दस मिनट का ब्रेक चाहिए मुश्किल से आधा घंटा और क्लास चलेगी मुझे आपका आधा घंटा और चाहिए क्योंकि मुझे आपको राइटिंग सेक्शन की थोड़े जल्दी से टिप्स और ट्रिक्स बताने हैं बस मैं आपको राइटिंग सेक्शन की चीट शीट देने आई हूँ इट। ठीक है तो मैं ये बोल रही हूँ कि अभी ग्रामर की आगे भी मैराथन होगी बट ग्रामर अगर आपको पहले ही देखना है मैराथन में रिवाइज करना है तो पहले भी क्लासेस डली हुई हैं अगर आप डालोगे फुल ग्रामर मैराथन बाय मैरे मैम पूरा दिख जाएगा उसमें सारे टॉपिक करा रखे एक एक बेसिक से तो आप वो भी देख सकते हो बैकलॉग नहीं देखना है तो आप वेट करो अभी आगे भी क्लास होगा ठीक है कुछ बच्चे बोल रहे हैं नो ब्रेक कुछ बच्चे बोल रहे हैं ब्रेक तो मिडिल रास्ता निकाल लेते दस की जगह पांच मिनट का ब्रेक दे देते हैं थोड़ा सा स्ट्रेच कर लो बॉडी को और वापस आ जाओ पर वापस आ जाना मैं आना सौ में से कितने बच्चे वापस लौट के आ रहे हैं ठीक है तो मैं भी वापस आऊंगी आप भी आ जाना मुश्किल से मुझे आपका और आधा घंटा चाहिए इससे ज्यादा टाइम हमें नहीं लगेगा आज की क्लास में ठीक है तो बस पांच मिनट का मैं ब्रेक दे रही हूँ टाइमर में यहाँ पर लगा कर जा रही हूँ पांच मिनट तो मेरे सिर्फ बाहर जाने में और पानी पीने में ही हो जाएंगे सो स्टार्ट नाउ पर आ जाना सारे बच्चे जाओ चलिए आइए राइटिंग सेक्शन कर लेते हैं तुम सबके ना सच में एक एक मुक्का ऐसे मार के मुंह तोड़ोगे ना तुम्हारा देखो तुम

कभी कभी जब मैं अत्यंत सुंदर लगती हूँ तो मैं वहां पे पोस्ट जरूर करती हूं so yeah, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जी सो <coughs> so पर मेरे करोड़ बार बताने के बाद भी कुछ बच्चे भटकते हुए मुझसे पूछ रहे हैं बेटा जी देखो यहां पर ये क्लास दिख रही है ये तो अभी हो रही है ना कल रात्रि आठ बजे इंग्लिश ग्रामर इससे बाहर अब कुछ नहीं ठीक है ये कल रात को आठ बजे क्लास है बेटा जिसमें तुम्हारे सारे टॉपिक को दिया ना मैंने ठीक है सारे टॉपिक के जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे प्यारे से बच्चे हैं वो कृपया ये वीडियो देखिए अगर आप इस वीडियो को खोलेंगे जैसे कि हमने कल भी इसको खोला था और फिर अगर आप यहां पर जाएंगे यार जल्दी जल्दी सारे बच्चों को बुलाओ राइटिंग सेक्शन करना इतने में ये दिखा रही हूँ बच्चों को जो थोड़े भटके हुए हैं तो बेटा जी अगर आप इस वीडियो को खोलेंगे और यहाँ पर जाएंगे तो आप देखेंगे मैंने आपको सारा टाइम टेबल दे रखा है दस तारीख को कल हमारी ये वाली क्लास हुई ग्यारह तारीख को अभी हमारी ये वाली क्लास चल रही है बारह तारीख को कल रात को आठ बजे ताबड़तोड़ ग्रामर की क्लास है इसके बाद बेटा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तेरह तारीख को मैंने दो क्लास रखी है सुबह ग्यारह बजे की जो क्लास है उसमें सारी पोम्स जो है उसका आपका मैराथन है एक एक क्वेश्चन एक एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन एक एक, एक, -एक तुम्हारा एमसीक्यू एक एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन पोटिक डिवाइस सब ग्यारह बजे होगा और तेरह तारीख को रात को आठ बजे यानी कि परसों रात को बजे जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं रीडिंग पैसेज पैसेज की की क्लास क्लास रीडिंग वो देखो बेटा ऑलरेडी मैंने परसों बता दिया फाइव रीडिंग पैसेजेस फ्रॉम सैंपल पेपर की क्लास है आपकी परसों रात को आठ बजे है ना चौदह तारीख को फिर दो क्लासेज है सुबह ग्यारह बजे डायलॉग लेटर बेस्ड क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन और चौदह ही तारीख को रात को आठ बजे फिर से क्लास है ऑल क्वेश्चन एंड की समझ रहे हो आप तो जितना आपको डर लग रहा है उससे पहले से ही मैंने सारी चीजें प्लान कर ली हैं अब पंद्रह सोलह सत्रह का प्लान क्यों नहीं बताया ये भी मैं तुम्हें रीजन ऑलरेडी बता चुकी हूं जैसे ही तेरह तारीख को क्लास में आओगे आगे का जो प्लान है पंद्रह तारीख का सोलह तारीख का सत्रह तारीख की मैराथन का जो प्लान है वो आपको दे दूंगी समझ रहे हो तो भाई मैंने सब प्लान कर लिया है मेरे को सब तुम्हें कराना है तुम बस क्लास में उठ के आ जाओ ठीक है नोट सारे टेलीग्राम पे मिलेंगे जिनके फोनो में टेलीग्राम नहीं है भाई भाई भगवान के लिए टेलीग्राम इंस्टॉल कर लो बिल्कुल फ्री है है वो ठीक मम्मी पापा कोई नहीं मानता भाई। मेरे से बात करा दो उनकी ठीक है और आप उनका विश्वास मत तोड़ना मम्मी पापा का इसलिए वो नहीं मानते उन्हें लगता है फालतू की हरकतें करोगे आप टेलीग्राम पे बाकी बच्चों की तरह तो वो मत करना यार सिंपल नोट्स के लिए यूज करो खत्म बात है ना चलिए हिंदी की क्लास में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ फिर से मुझे उस वीडियो पे जाना पड़ेगा बेटा प्लीज ये वीडियो एक बार देखो मेरी जान प्लीज इस वीडियो को देखिए हाथ जोड़ के मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज इस वीडियो को देखिए पंद्रह मिनट की वीडियो है ठीक है और हिंदी के लिए देखो मैं बता चुकी हूं कि 18, 19, 20 तीन दिन में हिंदी रटवा दूंगी ठीक है तीन दिन काफी है हिंदी के लिए 18, 19, 20 21 को पेपर है हिंदी का ठीक है और उसके बाद इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस पांच दिन इंग्लिश में तो बिल्कुल फोड़ देंगे मचा देंगे है ना जिसका प्लान मैं आपको इन्हीं दिनों में बताऊंगी सारी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में बता के रखी है फिर भी तुम लोग डर डर के मेरे पे आते हो चलो अब राइटिंग सेक्शन का चीटशीट दे दू राइटिंग सेक्शन का चीट शीट दे दू जल्दी बताओ सोलह से उन्नीस मत रखी संस्कृत मुझे पता है बेटा आपका संस्कृत का पेपर है एक एक घंटे की क्लास होगी सोलह तारीख से है ना तो ज्यादा टाइम इंग्लिश के लिए नहीं लूंगी आपका बट यार वो मैं ना कंसिस्टेंसी नहीं तोड़ना चाहती अब बंदे जिम जाते हैं अब जिम में, में मेरी तरह भी कुछ लोग हैं जो तीन महीने के पैसे देकर दस दिन जाते हैं है ना तो कंसिस्टेंसी टूट जाती है तो वो मैं तोड़ना नहीं चाहती आपके साथ दे दो चीट शीट करे शुरू राइटिंग सेक्शन कितने बुरे हो यार तुम लोग तुम अच्छे दोस्त नहीं हो ब्रेकअप थोड़ा सा यार थोड़ा मोटिवेट किया करो टीचर्स को यार टीचर्स को भी मोटिवेशन की जरूरत होती है चलो पंजाबी का भी है मैं पंजाबी हाँ तो मैं बोलना तो सिखा सकती हूँ बेटा पर लिखना तो मैंने भी नहीं सीखा बीच में सीखा था मेरे को भी नहीं आता तो पंजाबी बोलनी तो आती है बट लिखनी नहीं आती चलो हम चलने हैं ठीक है भाई देखो यार सबसे पहले ठीक है सबसे पहले बात है की ठीक है है यार बच्चों का खेल इसको आप लोग याद रख लीजिए फॉर्मेट को सबसे पहले आप या तो इसका कोई एक बना लीजिए याद नहीं रहेगा वरना इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है कि आपको याद ना रहे है ना नहीं तो आप एक बना लो कि भाई एस से शाम डी से डर गया टी से थर थर कापने लगा ऐसा कुछ आप बना लो ठीक है वरना आपको नहीं बनाना तो यार आपको बिल्कुल मतलब डरने की कोई बात ही नहीं है इसमें सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस लिखना है अपने को पता है ये अपने को दो लाइन में लिखना है एक लाइन छोड़नी है अपने को डेट डालनी है डेट अपने को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखनी है माने की मैं अपने बर्थडे की डेट डाल देती हूँ ट्वेंटी नाइन्थ ऐसे पूरा डालना है

क्यों अपना नौ दिन पहले इतना अपने आपको प्रेशराइज करना चाहते हो लेटर टू एडिटर में ही पूरी एनर्जी लगा दो ना सही बोल रही हूँ वही करके आ जाना चॉइस आएगी ना दो लेटर में राइट right? मैंने हमेशा लेटर टू एडिटर ही किया है वही करके आ जाना क्यों अपनी एनर्जी दूसरे लेटर में लगानी है क्योंकि एडिटर पे तो आएगा ही आएगा राइट फॉर्मल लेटर तो आएगा ही आएगा सो so, यहाँ पर आपको क्या करना है आपको यहाँ पर फटाफट फड़ से तीन लाइन में तो से एडिटर नीचे पेपर का नाम। अगर कुछ भी, Time, भी। लास्ट वाली लाइन में न्यू दिल्ली लिख देना या जहां पर भी अगर भोपाल का क्वेश्चन दे रखा है कि भाई यू आर फ्रॉम दिस दिस एरिया भोपाल तो भोपाल लिख देना जो मर्जी लिख देना अब यहाँ पर आएगा नीचे आपका सैल्यूटेशन ठीक है सैल्यूटेशन में आप क्या लिखोगे रिस्पेक्टेड सर रिस्पेक्टेड मैम बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भाई सैल्यूटेशन पहले लिखे कि सब्जेक्ट तो जो आपका स्कूल टीचर ने बताया है दोनों ही सही है दोनों में नंबर नहीं कटेंगे चाहे चाहे आप सब्जेक्ट पहले लिखो सैल्यूटेशन दोनों करेक्ट है ठीक है तो आपने लिख दिया उसके बाद फिर से एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट डालोगे सब्जेक्ट आपको चार से पांच वर्ड में लिखना है भारी भरकम पंचायत भरा सब्जेक्ट आपको नहीं लिखना सब्जेक्ट आपको जनरली क्वेश्चन में ही मिल जाएगा यह आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा ठीक है आपको इसके लिए दर दर भटकने की जरूरत नहीं है इज इट क्लियर एवरी वन ऑल राइट अब नेक्स्ट ना बॉडी लिखना है तीन पे देखो अगर इतना ऊपर लिख दिया ना मतलब तुम्हारा आधा काम हो गया अच्छा एक और चीज मैं आपको बताती हूं कल एक बच्चे का कमेंट भी था और मुझे खुद को भी बताना है कि कभी भी आप लेटर की शुरुआत करेंगे ना तो आप एक फ्रेश पेज से करिए मान लीजिए आप पेपर लिख रहे हो अपने लगे हुए हो बोर्ड बोर्ड का पेपर पेपर लिखने के के लिए अब उस के पेपर में मान लो फिर अपना पेज पे लिख रहे हो नहीं हमेशा ट्राई करो कि फ्रेश पेज से लेटर लिखना शुरू करो ताकि यहां तक का जो फॉर्मेट है ना ये तो आपका एक ही साथ आ जाए इज इट क्लियर एवरी समझ में आया तो ऐसे आपको करना है बाकी कल मैंने आपको टॉपर की आंसर शीट भी दिखाई थी कल शाम की क्लास में और बताया भी था कि कैसे आपको एक के नीचे एक ही चीज लिखनी है वरना आपके नंबर कटेंगे और ये बात क्लियरली बोर्ड ने मेंशन कर रखी है अपनी मार्किंग स्कीम में कि मैं तो नंबर काटूंगा ठीक है तो एक के नीचे एक लिखना है एस के नीचे ही डी डी के नीचे ही टी टी के नीचे ही एस इस तरीके से लिखना है अभी बॉडी में क्या लिखना है सबसे बड़ा हेक्टिकनेस ये होता है बॉडी में क्या लिख दू मैम अब मैं आपको बॉडी का बिल्कुल स्ट्रेट अवे ढांचा बता देती हूं कि आपको लिख कर कर आना है है वो डिट्टो डिट्टो आप आप टेप वही फॉर्मेट को फॉलो लेना नंबर मिल जाएंगे ठीक अभी बॉडी पे चलते हैं बट बॉडी जब आप तीन पैराग्राफ में लिखो ठीक है मैं दोबारा से बता रही हूँ प्लीज बेटा जी मेरी बात को आप ढंग से सुन लीजिए क्या बोल रही हूँ मैं सबसे पहले सेंडर एड्रेस लिख दिया दो लाइन में ठीक है टू वन थ्री नवयुग अपार्टमेंट्स करके नीचे मयूर विहार न्यू दिल्ली कुछ भी

इसमें सबसे पहले एक चीज का आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इस तरीके से अपोस्ट नहीं डालना बहुत बच्चे ये कर देते हैं, करते हो के नहीं ये गलत है कोई दिक्कत नहीं है करनी चाहिए और मतलब कुछ तो शीट ऐसी है जिसमें बनकर भी आती है ऑलरेडी मार्जिन है ना कुछ शीट होती है जैसे हमारे स्कूल वाले थे उनमें नहीं थी तो हमें क्या करना पड़ता था जो हमें टाइम मिलता था ना हम उसमें स्केल से ड्रॉ कर लेते थे तो इट्स अ गुड थिंग ऑफ प्रेजेंटेशन दोनों साइड मत बनाना वो अवॉइड करना कि दोनों साइड बच्चे लाइन खींच देते हैं बीच में लिखते हैं ताकि पेपर भरा भरा लगे ये सब मत करना दैट इज लाइक कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम ठीक है तो आपको पोस्ट नहीं डालना अगर आप ऐसा नहीं करते हो बहुत अच्छी बात है करते हो तो ऐसा आप मत करना तो लिखोगे नीचे आप अपना नाम लिख देना उसके नीचे अगर आपको क्वेश्चन uh, पेपर में कोई दे रखा है कोई डेजिग्नेशन दे रखा है कि भाई तुम फलाना सेक्रेटरी uh, हो तुम फलाना चेयर uh, पर्सन हो है ना तो अपनी वो डेजिग्नेशन अपना लिख देना नहीं दे रखा तो कोई जरूरत नहीं है दे रखा है तो आप लोग लिख कर आ जाइएगा इट क्लियर एवरी वन इतना बात क्लियर हो गई चलिए तो आई होप इतना क्लियर है अब मैं आपको बताती हूं देखो बॉडी पे जाने से पहले मुझे एक बात थर्टी तो परसेंट तो, तो आपको अपना भी दिमाग लगाना पड़ेगा यस और नो जल्दी बताओ क्योंकि यार इंग्लिश एक ऐसी चीज है ना कि दुनिया का कोई आदमी तुम्हें पूरा का पूरा उठाकर नहीं दे सकता राइट क्योंकि किसी को नहीं पता क्वेश्चन क्या आएगा ज्यादा से ज्यादा टीचर पूरा निचोड़ के सैंपल पेपर को या क्वेश्चन पेपर को तुम्हें ट्रिक्स और ट्रिप्स तुम्हारे मुंह पे फेंक के मार सकता है राइट हां जी सही बोल रही रही हूं हूं तो अगर 70 75% तुम्हें तुम्हें मैं दे रही हूं, 20 25% तुम्हें अपना भी डालना पड़ेगा वो भी मैं बता दूंगी क्या डालना है अपना और तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है मेरे पास ठीक है तो मैं तुम्हें बताती हूँ देखो सबसे पहले हम पैराग्राफ नंबर वन की बात करते हैं पैराग्राफ नंबर वन में हमें ज्यादा नहीं लिखना होता दो से तीन लाइन हमें लिखनी होती है दैट्स इट क्योंकि यार हमारा इंट्रोडक्शन है

ठीक है मेरा खुद का दोस्त भावुक हो गया था क्लास टेंथ में ठीक तो क्वेश्चन ऐसा ही कुछ आया था हमारे शायद प्री बोर्ड थे और यही क्वेश्चन आया था कि रोड टूट गई इसलिए मुझे रोड टूटी रोड टूटी याद रहती है है ना कि भाई रोड वो भावुक इतना भावुक हो गया कि उसने अपनी सारी फ्रेंड मैंने बोला अरे यार तू पागल तो नहीं है तो ऐसा आपको नहीं करना एडिटर केवल और केवल हमारी बात को अपने न्यूज़पेपर के कॉलम में लिख छाप सकता है पब्लिश कर सकता है वो हमारे लिए कुछ कर नहीं सकता वो कंसर्न अथॉरिटीज तक ये बात पहुंचाने में मदद कर सकता है हमारी ठीक है और यार ऊपर से हम एक फेक लेटर लिख रहे हैं तो हमें ज्यादा भावुक नहीं होना है यहाँ पर हम मार्क्स के लिए लिख रहे हैं ठीक है कुछ लोग होते हैं जो भावुक हो जाते हैं बहुत ज्यादा ठीक है सो so यहाँ पर सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे इनमें से कोई भी लाइन आप लोग याद कर लीजिए कोई भी लाइन याद कर लो ठीक है अगर आपको बिल्कुल भी लेटर नहीं आता है अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा द पढ़ाईस्ट वे से कोई भी लाइन उठा लो आप ठीक है

या अगर ऐसा कोई टॉपिक है जो बढ़ रहा है कि जैसे पॉल्यूशन बढ़ रहा है, है ना तो लिख दो इंक्रीजिंग प्रॉब्लम ऑफ फलाना डैश 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 टॉपिक या आई एम राइटिंग दिस लेटर इन ऑर्डर टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज कंसर्न अथॉरिटीज देन ये वाली पूरी सेम टूवर्ड द प्रॉब्लम ऑफ डैश 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 तो इन तीनों में से कोई भी लाइन आप उठा लो और अपना जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें लिखाओ इतना समझ में आया कैन आई गेट अ हाई एनर्जी यस मैम इन द कमेंट सेक्शन टेलीग्राम पे कब आएगा जैसे ही क्लास खत्म होगी उसके पंद्रह मिनट बाद ठीक है क्योंकि दस मिनट में करके लेटूंगी, और फिर मैं भेज दूंगी इतना समझ में आया सभी को ठीक है हाँ ठीक है अब हम चलते हैं सेकंड पे यार देखो सेकंड जो पैराग्राफ है ना वो हमारा मेन पैराग्राफ है

छह से सात लाइन में लिखाओ, पांच से लाइन भी लिखाओ, वो भी काफी है ठीक है, है ऐसे नहीं कि फालतू की लाइन आ रहे हो. अब देखो यहाँ पर हमें दिमाग लगाना है नंबर वन कोई भी टॉपिक आ सकता है तो कोई भी टॉपिक आए, दुनिया का उसका एक ढांचा है उसका एक स्ट्रक्चर है अब उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है ना जैसे मान लो हैप्पी बर्थडे की टेम्पलेट होती है ना

द कंडीशन ऑफ द रोड या ये आपका चेंज होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मान लो ये तो रोड के ऊपर है कोई भी क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा ठीक है मान लो शहर के एयर पॉल्यूशन के बारे में सो द कंडीशन ऑफ द सिटीज द कंडीशन ऑफ द रिवर ठीक है इस तरीके से चेंज होगा इज वर्सनिंग डे बाई डे भाई दिन पे दिन खराब होती जा रही है ये आप

ना, so, हम पहले लिख देंगे, के जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उसी की है। तो पता चल जाएगा हमें कैसे कोई भी टॉपिक आए। ही जिसके बारे में आपको पता हो चाहे वो साउंड पॉल्यूशन हो, हो मान लो या फिर वो नॉइस बेसिकली वाटर पॉल्यूशन हो है ना या फिर वो रोड्स के ऊपर हो किसी के भी ऊपर हो कोई जनरल टॉपिक आएगा कोई डिसीज के ऊपर हो राइट तो अगर मान लो रोड के ऊपर ही है तो प्रेजेंट सिचुएशन अभी एक्सीडेंट होते हैं जो बुढ़े लोग इतना ज्यादा साउंड पॉल्यूशन होता है लोग करते हैं ट्रैफिक जमा हो जाता है जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें दिक्कत होती है जो छोटे बच्चे हैं उन्हें दिक्कत होती है तो यहाँ पे तीन चार प्रॉब्लम आपने बता दी कि क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है समझ में आया अब उसके बाद ये दोनों पॉइंट हमने इसी में इंक्लूड कर दिए कि प्रेजेंट सिचुएशन क्या है और उसकी वजह से क्या हुआ और कौन अफेक्ट हुआ तो ये तीनों ही पॉइंट्स हमने इन्हीं पॉइंटर्स में इंक्लूड कर दिए ठीक है अब उसके बाद आप एक लाइन को एग्जैक्ट टेप सकते हो वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगी मैं या फिर मैं यहीं पर लिख देती हूं कि Uh, हमने कंसर्न अथॉरिटीज को बहुत बार बोला है बट कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है सो so, इसके लिए आप एक लाइन यहां पर हर हर क्वेश्चन में चेप के आ सकते हो डिस्पाइट आर रिक्वेस्ट या डिस्पाइट आर रिपीटेड रिक्वेस्ट के डिस्पाइट मतलब बावजूद के हमारे बार 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 रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी डिस्पाइट आर रिपीटेड रिक्वेस्ट द कंसर्न अथॉरिटीज या उल्टा भी लिख सकते हो द अथॉरिटीज दिटीजेड टू आर रिपीटेड रिक्वेस्ट राइट तो जब हमने ये सारी की सारी चीजें लिख दी अब ये लाइन एज इट इज आप कंक्लूजन में लिख कर आ सकते हो कि आई रिक्वेस्ट यू टू गिव अ लिटिल स्पेस इन योर एस्टीम न्यूज़पेपर सो दैट द कंसर्न अथॉरिटीज वुड टेक एन इफेक्टिव एक्शन अगेंस्ट द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द सिटीजन ऑफ द कंट्री डिटो टो चेप दो चेपने के बाद लास्ट में है ना आपका नाम आपकी इज क्लियर अब यहां पर मैं आपको बताती हूं कि सेकंड पैराग्राफ के आपको एग्जांपल्स रीड करने पड़ेंगे और मुझे पता है तुम लोग इतने आलसी हो कि तुम्हारे बस की कुछ नहीं है ठीक है तो इसीलिए कल सुबह से कल मॉर्निंग से ही आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे रोज के दो लेटर टू एडिटर मिलेंगे जो कि मैं खुद भेजूंगी दैट इज माई प्रोमिस भेजूंगी सुबह ही सुबह भेजूंगी अब दिन में कभी भी तुम्हें टाइम मिले जो कि तुम्हें पढ़ने ही पढ़ने हैं रीड करने हैं रीड करने से क्या होगा कि आइडिया बैठेगा दिमाग में है ना और मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स पे भेजूंगी के ये तो हमने याद कर लिया बट बीच वाली बॉडी में किस सीक्वेंस में लिखना है ये पता चल गया बट थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि क्या क्या लाइन हमें चेपनी है समझ में आया रोज मैं भेजूंगी कल से सुबह तो टेलीग्राम को हंड्रेड परसेंट ज्वाइन कर लेना ठीक है बेटा पोइटिक डिवाइसेस की क्लास है ना तेरह तारीख को सुबह ग्यारह बजे ठीक है स्कूल तो नहीं है ना स्कूल है भी तो कर लेना। वैसे स्कूल नहीं होगा जैसे आप किसी को अगर आपको कोई पसंद है आपका कोई क्रश है आप घूरते रहते हो उसको है ना तो दिमाग में इमेज बैठ जाती है ना बिल्कुल वैसे इसे घूरो दिमाग में इमेज बैठ जाएगी आपके क्या क्या लिखा हुआ है मेरे दिमाग में नहीं बैठा हुआ मेरे दिमाग में भी बैठा हुआ है कि भाई आपको बताना है कब से प्रॉब्लम है आपको बताना है आपको कैसे पता चला है और उसके बाद आपको रीजन बता देना है तो ये तो आप छह सात बार इसको घूर लोगे आपको अपने आप याद हो जाएगा वही बात है ना कि ट्वेंटी परसेंट एफर्ट तो मारना पड़ेगा बोलते हैं ना नकल के लिए भी अकल चाहिए तो अगर नकल करनी है तो अकल अभी लगानी पड़ेगी ठीक है समझ में आया इट हाँ इनको इसी सीक्वेंस में लिखना इनको ऊपर नीचे मत लिखना इसी सीक्वेंस में लिखोगे तो बहुत ही खूबसूरत आपका लेटर टू एडिटर निकलकर आएगा जब आप कल से एग्जाम्पल भी पढ़ोगे ना देखना इसी सीक्वेंस में मैक्सिमम लेटर्स लिखे होंगे ठीक है ऑल राइट एर करेक्शन बेटा कल आठ बजे ग्रामर आठ बजे ठीक है तो आई होप दिस इज क्लियर अब आ जाते हैं एनालिटिकल पैराग्राफ पे अच्छा मैं बार बार बता दू अभी

जैसे सीबीएसई का पेपर होगा पूरा फोकस यूपी बोर्ड पे होगा ठीक है चलिए सो so, यहाँ पे इसको आप लोग याद कर लीजिए कौन है भाई ये ऑल राइट सो यहाँ पे यूजफुल टिप्स है ना अब एनालिटिकल पैराग्राफ में आपको क्या करना है यार देखो पहली बात तो ये समझ में आया एक बार ही फटाफट -फड़ से यस मैम बोल दो क्योंकि ये लास्ट टॉपिक है एनालिटिकल पैराग्राफ आज का इतना समझ में आया बोल दो यार यार पंजाबी की मैं क्लास नहीं दे सकती बच्चों आई एम सॉरी क्योंकि मुझे पंजाबी लिखनी नहीं आती ऑल राइट ठीक है बेटा कोई भी फॉर्मल लेटर लिखना हो सेम है द एडिटर की जगह आप वो आदमी का नाम लिख दोगे बस किसी भी आदमी को फॉर्मल लेटर लिखना हो पूरा का पूरा फॉर्मेट सेम है ठीक है अब देखो यार एनालिटिकल पैराग्राफ में क्या होता है एनालिटिकल पैराग्राफ में आपको एनालाइज करना है ठीक है जैसे मेरे को एनालाइज करो चलो फन से शुरू करते हैं बताओ मेरी शकल मेरी शक्ल पे क्या दिख रहा है ये मत बोलना मैम 12 बजे हुए क्योंकि वो बिल्कुल झूठ है ठीक है अब अगर मेरी शक्ल को एनालाइज करने बोले कोई तो क्या क्या लिखोगे लिखना बेस्ती मत करना मेरी मैं बता रही हूँ मैं मुक्का मार के मुंह भी तोड़ देती हूँ हाँ भाई जल्दी बताओ चश्मा ठीक है क्या चश्मा थोड़ा तो यार डिस्क्राइब कर यार एनालाइज करके डिस्क्राइब भी तो कर चश्मा क्या ब्यूटीफुल हाय ओके नेक्स्ट कैट चश्मा व्हाइट चश्मा वेरी गुड वेरी गुड तो ये जो कैट चश्मा व्हाइट चश्मा एडजेक्टिव यूज करा खुद से करा ना खुद से करा ना तुमने यही तो करना है फिर यहां पर मेरी नोज रिंग भी नोटिस कर ली है ना

ठीक है अब यार देखो मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ जो मेरे को ना बत, पढ़ाते पढ़ाते फील होता है वो मैं तुम्हें बताती हूँ बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा होगा यार कितना पढ़े ऐसा किस, -किस हाँ, लिपस्टिक तो लगाई नहीं ठीक है हाँ ऐसा हाथ उठा दो एक बारी अरे बस यार मेरे को एनालाइज हो गया किस किस बच्चे को ऐसा लग रहा है कि दिमाग में मतलब यार कितना पढ़ेंगे कितना ही पढ़ लेंगे हम हाँ तो मैं बस आपको एक ही बात बोलना चाहूंगी टेक इट स्लो टेक वन थिंग एट अ टाइम ठीक है टेक वन थिंग एट अ टाइम क्योंकि मुझे भी कभी जब पढ़ाते पढ़ाते लगता है ना यार बच्चों के लिए बहुत हो रहा है तो मैं हमेशा खुद को भी ये बोलती हूँ आपके पास सिलेबस है आप टिक करते जाओ जो चीज होती जा रही है ठीक है तो मेरे पास भी जब मैं ये क्लासेस प्लान कर रही थी और अभी अभी आप लोगों के लिए एक और सरप्राइज है जो मैं नहीं बता सकती आपको मोस्ट प्रोबेबली कल ही पता चलेगा यूट्यूब पर ठीक है तो एक बहुत ही बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्रिएटर है जिसके साथ मैंने कोलैब किया है तो आपको मैं उनके चैनल पर भी दिखूंगी तीन चार लेक्चर्स के लिए इंग्लिश के लिए कोलैब करा है मैंने उनके साथ उन्होंने भी मेरे साथ तो हम दोनों ने मिलकर एक कोलेबोरेशन किया तो इंग्लिश में यहाँ पर भी पढ़ाऊंगी बट उनके बच्चों को भी तीन चार क्लासेस दूंगी तो एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही अच्छी क्रिएटर है तो अभी मैं रिवील नहीं कर सकती आपको कल पता चलेगा तो जब मैं प्लान कर रही थी ना अपनी क्लासेस भी उनकी क्लासेस भी तो मेरे को ऐसा लग रहा था यार बहुत सारी क्लासेस है भाई कैसे ही होगा मेरे को अभी भी लग रहा है क्योंकि तो अभी आपकी क्लास के बाद मुझे उनके लिए रिकॉर्ड करना है क्लास राइट और मेरा पूरा दिन जाएगा

तो इसीलिए अपने आप पे हावी मत होने देना ठीक है अपने आप पर बिल्कुल भी प्रेशर मत फील करना जैसे ही प्रेशर फील हो एवरीथिंग इज ओके ऑल इज वेल आई कैन डू इट दिस इज योर मंत्र आई कैन डू इट राइट नाउ आई एम paragraph, एनालिटिकल आई विल फोकस ऑन एनालिटिकल बाद की प्रॉब्लम बाद में देखूंगा राइट नाउ आई एम डूइंग आई विल फोकस ऑन लेटर टू editor. राइट नाउ आई एम डूइंग नरेशन आई विल फोकस ऑन नरेशन नो अदर टॉपिक्स राइट नाउ आई एम डूइंग टेंस एस आई फोकस ऑन सो बी प्रेजेंट इन द मोमेंट ओके चालिए सो अभी हम लोग यहां पर लास्ट टॉपिक पर चलते हैं एनालिटिकल पैराग्राफ पे सो so, यहाँ पर बच्चों एनालिटिकल पैराग्राफ में आपको कोई भी चार्ट कोई भी टेबल उठाकर दे देंगे ठीक है बोलेंगे ये लो एनालाइज एनालाइज करो अब analyze करना है तो वो कोई चार्ट हो सकता है कोई टेबल हो सकता है ग्राफ हो सकता है डेटा हो सकता है पाई चार्ट हो सकता है तो आपके पास ये लाइन है जिससे आप शुरू कर सकते हो तो पहले तो इन्हें याद कर लेना सो so, इंट्रोडक्शन में बहुत ही सिंपल सा इसका फॉर्मेट होता है इंट्रोडक्शन बॉडी कॉन्क्लूजन दैट्स इट अब एग्जांपल भी दिखाऊंगी मैं एक ठीक है so, सो यहाँ पर आपको क्या करना है चार्ट गिवन अब द लाइन ग्राफ शोज द डेटा प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन दाइन को याद कर लो ठीक है ये वो कैबलरी को याद कर लो कि कुछ भी आए टेबल आए तो द टेबल सजेस्ट टॉपिक का नाम टॉपिक का नाम क्वेश्चन में ही होगा अभी हम देखेंगे एक एग्जाम्पल सो टॉपिक का नाम क्वेश्चन में ही होगा एज इट क्लियर वैसे ही यहाँ पर का नाम तो जैसे ही आप ये लिख कर topic का नाम लिख दोगे आपका इंट्रोडक्शन हो गया आपको इंट्रोडक्शन में और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है इंट्रोडक्शन दो लाइन का होता है तो आधी लाइन आपकी ये हो गई और बची हुई डेढ़ लाइन में आपका टॉपिक आ गया इससे ज्यादा इंट्रोडक्शन आपको लिखने की जरूरत नहीं है इज दिस क्लियर एवरी वन प्लीज बता दो इज दिस क्लियर ठीक है अब यहां पर बेटा सारा का सारा खेल है देख का का एनालिटिकल पैराग्राफ में सारा का सारा खेल है नॉट एन इशू मैंने आपके लिए वर्ड्स लिख दिए इनमें से सारे तो आप ऑब्वियसली याद नहीं कर पाओगे ह्यूमन हो आप इसमें से थोड़े वर्ड्स जो आपके अकॉर्डिंग आपको कंफर्टेबल लगे आप उन्हें याद कर लीजिए ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूं अगर आपको ट्रेंड डिस्क्राइब करना है ट्रेंड क्या होता है इंस्टाग्राम पे ट्रेंड चलता है ना है ना कि कोई चीज ऊपर जा रही है

फ्लक्चुएट मतलब ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है स्टार्टिंग टू राइज ऊपर की तरफ उठना शुरू कर दिया ड्रॉप डाउन ये सब क्या है वो कैबलेरी है अभी कहां यूज करनी है मैं आपको बताऊंगी बट प्लीज 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 इनको याद कर लो सारे वर्ड याद नहीं कर सकते दो तीन डिक्लाइन के कर लो दो तीन स्काई रॉकेटेड हो गया है ना रेपिडली हो गया इन वर्ड्स को याद कर लो कि भाई ये कोई भी चीज अगर ग्राफ ऊपर की तरफ है तो ये एक्सप्लेन करने के लिए हम यूज कर सकते हैं ठीक हाँ अब वैसे ही यहां पर अगर कोई क्वांटिटीज़ है या उसको दिखाने के लिए 48 एट परसेंट वन थर्ड ऑफ है ना मेजोरिटी वर्ड यूज कर सकते हो टूज एज मच यूज कर सकते हो ऑलमोस्ट इक्वल यूज कर सकते हो रफली अप्रोक्सीमेटली इन वर्ड्स को यूज कर सकते हो तो ये दिमाग में रहेंगे है ना कि अगर कोई क्वांटिटी आपको डिस्क्राइब करनी है के भाई इतने प्रतिशत बच्चे मान लो ऐसा कोई चार्ट आ गया यहां लिखा है फोर्टी एट प्रतिशत बच्चे तो फोर्टी एट प्रतिशत ऑफ स्टूडेंट ऐसे करके आप बोल सकते हो ठीक है सो नेक्स्ट है यहां पर अगर आप कोई कंट्रास्ट दिखा रहे हो जनरली हम ये कंक्लूजन में की तरफ करते हैं अगर आप कोई कंट्रास्ट दिखा रहे हो अभी लिखना कैसे एक एग्जाम्पल डिस्कस करके ही क्लास को छोड़ूंगी तो प्लीज ध्यान से सुन लो अगर आप कोई कंट्रास्ट दिखा रहे हो कोई अपोजिट चीजों के बारे में अगर आप लोग बात कर रहे हो यहां पर तो आप कैसे ये वर्ड यूज करोगे इन कंट्रास्ट विद इन कंपेरिजन टू बट इन द अपोजिट केस हाउ एवर वेयर एज एज अपोज टू स्ट्राइकिंग डिफरेंस नोटिसेबल डिफरेंस ये सारे वर्ड्स को यूज करना है जब आप दो चीजों के बीच में कंट्रास्ट दिखा रहे हो ठीक है मान लो राम और शाम के बीच में एक अंतर दिखा रहे हो तो तब अंतर दिखाते हुए आपको इन शब्दों का इस्तेमाल करना है समझ में आया ठीक है बेटा खुशी आप क्यों फालतू लिख रहे हो हाँ चलिए नेक्स्ट है कॉन्क्लूजन एंड अदर कनेक्टिंग फ्रेजेस ठीक है अब कॉन्क्लूड अगर आपको करना है तो आप कैसे लिख सकते हो ओवरऑल सब्सिक्वेंटली इन शॉर्ट या therefore करके आप कंक्लूड कर सकते हो तो ये जो वो कैबलरी है ये प्लीज दो या तीन तीन वर्ड्स अपने दिमाग में रखना ताकि आपको याद रहे अब जैसे मैं ये क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ मैंने बहुत पहले भी आपको एक्सप्लेन करा बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ये बिगिनर्स को एनालिटिकल पैराग्राफ सिखाने का देखो मैं आपको बताती हूं लिखकर कैसे आना है इसके बाद हम क्लास को एंड करेंगे ठीक है बेटा और इसके बाद हम कल मिलेंगे आठ बजे जो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है मिस मत करिएगा क्योंकि मैं आपके लिए पूरी ग्रामर के क्वेश्चन उठा के लाने वाली हूँ ठीक है इजी से इजी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सो so, यहां पर आप लोग देख सकते हो अब आप ही लोग मुझे बताओगे यहां पर आपको क्या दिख रहा है क्योंकि आप लोग भी पार्टिसिपेट करो आपको यहां पर क्या दिख रहा है जल्दी बताइए आपको यहां पर क्या दिख रहा है बर्थ एंड डेथ रेट वेरी गुड गीतांशी तो यहाँ पर मान लो ये तुम्हारा पूरा का पूरा ग्राफ दिया है कि भाई ये जो ग्राफ है ये तुम्हें बर्थ एंड डेथ रेट दिखा रहा है और इस पर तुम एनालिटिकल पैराग्राफ लिखो एनालिटिकल पैराग्राफ में अपना दिमाग नहीं लगाना जो दिख रहा है बस वही लिखना है ठीक है सो तो यहाँ पे ये ग्राफ है ग्राफ के लिए हमारे पास लाइन थी क्या लाइन थी द ग्राफ शोज करके भी आप लिख सकते हो राइट तो यहाँ पर हम लोग कैसे भी लिख सकते हैं हमने स्टार्टिंग में लिख दिया द ग्राफ शोज अब क्या दिख रहा है क्वेश्चन में बर्थ एंड डेथ रेट क्या हमें कोई चीज अपना दिमाग लगाना पड़ा नहीं हमने डिटो कॉपी कर दिया तो यहां से हमारा जो इंट्रोडक्शन था वो हो गया नंबर वन अब नंबर टू बेटा हमें क्या करना होता है जो आपको मेजर डिफरेंस दिख रहा है पहले आप वो लिखो ठीक है मेजर डिफरेंस हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे कि बर्थ रेट और डेथ रेट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है यही दिख रहा है कि बर्थ रेट रेट ज्यादा है 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 डेथ पर कम है। यही दिख रहा कि नहीं दिख रहा तो हम जो सबसे मेजर डिफरेंस है ना वो लिखेंगे अब सबसे पहले आपको क्या करना है एक तना पकड़ लेना और वहीं से धीरे 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 आगे बढ़ना है सो so यहाँ पर देखो सबसे पहले नाइनटीन ओ वन है तो यहीं से आप इसको पकड़ लो ठीक है अरे जैसे मैथ्स में यार वो टॉपिक नहीं होता वो कौन सा टॉपिक होता है तो दिमाग से निकल गया वो जो ग्राफ वाला होता है, फेवरेट का, कुछ नहीं करना होता है, यार उस का नाम होता है? जल्दी बिल्कुल उस टॉपिक की तरह ही ठीक है, उसमें बनाने होते है, उसमें बस करना है। तो यहां पर आप देखो कि आप बोलोगे भाई नाइन ओ वन से ना हम लोग देख रहे इस साल तक ये जो साल रहा है यहां तक ना बर्थ रेट ही ज्यादा रहा है डेथ रेट से ठीक ठीक है है या डेटा हैंडलिंग यस तो यहां पर आपको एनलिटिकल पैराग्राफ के अंदर नहीं घुसना आपको बाहर बाहर से जो डिफरेंस दिख रहा है सीधा ऐसे देखते ही सीधा देखते ही जैसे मान लो अगर दो लड़के सीधा डिफरेंस क्या दिखेगा मुझे पहले हाइट में कि अरे ये शॉर्ट है ये टॉल है तो सबसे मेजर डिफरेंस जो देखते ही दिख रहा है वो लिखना है तो हमने यहाँ पर क्या लिखा कि भाई 1901 से ही बर्थ रेट हैज रिमेन मोर देन दी डेथ रेट अंटिल 2041 मैंने बताया ना यहाँ तक ये यह देखो कि 2041 तक बर्थ रेट जो है दैट हैज रिमेन क्या ज्यादा देन दी डेथ रेट तो ये एक मेजर डिफरेंस बता दिया अब अपने को क्या करना है देखो मेजर डिफरेंस बताने के बाद आप किसी एक चीज को पकड़ लो उसे एक्सप्लेन करो तो अब आप बर्थ रेट रेट को को पकड़ लो पहले उसे पूरा एक्सप्लेन करो डेथ 1901 तो देख रहे हो इसने वो कैबलरी यूज किया ग्रेजुअली ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे सो यहां पर क्या लिखा है कि बर्थ रेट जो है वो कितना है यहाँ पर ट्वेंटी और ये कितने में है थाउजेंड तो ट्वेंटी थाउजेंड है नाइनटीन ओ वन में और बोला है कि फिर ये धीरे 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 बढ़ रहा है ग्रेजुअली बढ़ रहा है इतना समझ में आया ठीक है सो पहले हमने मेजर डिफरेंस बताया यहां पे लिख लो सबसे पहले मेजर डिफरेंस बताना है फिर आपको कोई भी एक चीज को पहले पकड़ लेना है बर्थ रेट को उसे एक्सप्लेन करना है तो यहाँ से कहानी हमने शुरू कर दी एक्सप्लेन करने की अब हमने बोला इट पीक इन 1961 तो पीक मैंने आपको वो कैबलरी दिया था कि ये धीरे धीरे बढ़ते हुए अपने पीक पे टॉप पर कब जा रहा है कौन से साल में ये देखो नाइनटीन में अपने पीक पे गया है नियरली कितना 65,000 के आसपास, राइट right? तो वही चीज हमने यहाँ पर लिख दी टू अराउंड अब हम यहाँ पर क्या बोलेंगे अब हम देख रहे हैं कि यहां से फिर ये फ्लक्चुएट हुआ है, मतलब कभी नीचे कभी ऊपर को क्या बोलते हैं फ्लक्चुएट तो हमने बोला कि 1961 से इसने भाई धीरे धीरे फ्लक्चुएट होना शुरू करा है अब किस नंबर के बीच में ये फ्लक्चुएट हो रहा है तो देखो पचास हजार से साठ हजार इसी बीच में हो रहा है ना बार बार ये देखो फ्लक्चुएट यहां तक Right? के अगर आप यहां तक देखोगे तो इसी बीच में फ्लक्चुएट हो रहा है तो हमने हमने क्या क्या लिखा लिखा कि कि भाई यानी बहुत बार अब 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 आगे क्या लिखा है? आगे है तक बर्थ रेट को explain कर दिया अब हम देख रहे हैं ये धीरे-धीरे हो रहा है तो हम यहाँ वर्ड यूज कर सकते हैं एक्सपेक्टेड और गिरेगा तो हम क्या बोल रहे decline. कितना डिक्लाइन हो रहा है यह? यह देखो. कि ये कौन सा साल है लास्ट तो बिल्कुल लास्ट साल पे आ जाओ कि इट इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन अब ये कितना गिर रहा है यहां तक तो ये आ ही चुका है तो ये कितना है नियरली कितना इसके आसपास है ये तो ये 40 से हल्का सा ऊपर है तो 42 बोल दो या 43 बोल दो सो इट इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन टू अ रीचिंग एट एप्रोक्सीमेटली 42000 बाय 2101 यहाँ पे ये साल लिख दिया तो हमने बर्थ रेट को यहाँ से पकड़ा और पूरे को एक्सप्लेन करा अब इसमें देखो जो भारी-भारी वो वोकैबुलरी है ना उसे दिमाग में रख लो जैसे कि डिक्लाइन हो गया फ्लक्चुएटेड हो गया है ना इंक्रीजिंग ग्रेजुअली हो गया पीक हो गया तो ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करके आप लोग अपना एक पैराग्राफ लिख सकते हो इतना सभी को समझ में आया

बर्थ रेट के बारे में अब आप कॉन्ट्रेरी हमें डेथ रेट को पकड़ना है और इसके बारे में this, या या फिर hand, case, कुछ भी लगा लो so यहाँ पे हमने लिखा ऑन अदर हैंड रेट स्टूड एट अराउंड टेन थाउजेंड नाइनटीन ओ वन अब हम डेथ रेट को बता रहे हैं कि सबसे पहले ये दस हजार रुपए है ठीक है हमने ये बताया अब हम आगे क्या बोल रहे हैं अब देखो ग्रेजुअली तो हम वर्ड यूज कर लिया अब उसका स्टेडिली भी है कि धीरे धीरे ये बढ़ा है ना कि बिल्कुल ही धीरे धीरे बढ़ रहा है ये देखो तो आप वर्ड यूज कर सकते हो steadily. कि फिर ये क्या कर रहा है बहुत ही धीरे 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 हम लोग देख रहे हैं कि बढ़ रहा है

राइट बिटवीन टू जीरो सिक्स वन टू टू जीरो एट वन तो अब आप यहां पर इसे अगर मैं मिटाऊ है ना तो ये और ये इसके बीच में आप लोग यहां पर बता सकते हो कि भाई इसके बीच में क्या हो रहा है ये वाला जो एरिया एक्सप्लेन कर दिया कि धीरे धीरे इसका जो गैप है वो कम हो रहा है ठीक है द ग्राफ इंडिकेट्स इंडिकेट स्लाइड अब हमने ये भी बता दिया कि लास्ट वाले साल में क्या हो रहा है हल्का सा डिक्लाइन आ रहा है नीचे की तरफ ही आ रहा है तो जब हमने दोनों को बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों को जब हमने एक्सप्लेन कर दिया अब हमें क्या करना है इसको कंक्लूड करना है ठीक है अब हमें इसे ओवरऑल बताना है कंक्लूड करना बहुत जरूरी है तो जो भी आप देख रहे हो विद हेल्प ऑफ वोकैबुलरी आपको अपने वर्ड्स में उसे एक्सप्लेन करना है दैट्स इट

राइट right? तो कंक्लूड करते हुए हमने ये फिर से बता दिया हाउ एवर अब हम ये भी बोल रहे हैं कि हाउ एवर ये जो गैप इतना था ना ये अब आने वाले सालों में आप देखो ये अब हमें कम होता हुआ नजर आ रहा है ये देखो ये गैप अब हमें कम होता हुआ नजर आ रहा है तो जाते जाते भी हमने एक ओवरऑल बता दिया कि पहले ये गैप बड़ा था बट अब ये जो गैप है ये हमें कम लेटर ईयर में रिड्यूस होता हुआ कम होता हुआ नजर आ रहा है Overall, overall से हमें पता चल गया कि कि हम इसे conclude कर रहे हैं। अब आपने क्या करा? अपना एक अनुमान दे दिया। ठीक है कि जैसा इसमें दिख रहा है तो हमारा ये मानना है कि आने वाले सालों में क्योंकि हमें पता है लोग अच्छा खा नहीं रहे अच्छा पी नहीं रहे लाइफस्टाइल जीरो है तो हमें पता है आने वाले सालों में ना रेट जो है ना वही ज्यादा रहेगा बर्थ रेट से अब जरूरी नहीं आप सेम डिटो कॉपी लिख कर आओ आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से भी लिख कर आ सकते हो ठीक है आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से भी लिख कर आ सकते हो बट वही है कि आपको एनालाइज करना पड़ेगा एक एक चीज को पकड़ के रखना पड़ेगा जरूरी नहीं आप हर एक साल का एक्सप्लेन करो बट स्टार्टिंग का एंड का और जो मेजर डिफरेंसेस है वो आपको एक्सप्लेन करने ही है अगेन राइटिंग सेक्शन में जैसे कि एडिटर में बोला कि ये तो समझ में आ गया ये जो कैबलेरी है ये तुम्हारी चीट शीट है इसको तुम अच्छे से अपने यू नो दो चार दो चार वर्ड को याद कर लो बट मैं टेलीग्राम पे तुम्हें राइटिंग सेक्शन के ये दोनों एग्जाम्पल्स भेजा करूंगी एग्जाम तक तो तुम्हें अब रीड करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है जितना रीड करोगे उतना बेटर लिख कर आ पाओगे और मुझे आकर बताओगे फिर कि यस मैम मचा दिया इज इट क्लियर लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं है इंट्रो के बाद नेक्स्ट लाइन से लिख दो ठीक है लाइन छोड़ छोड़ के लिखने की जरूरत नहीं है खत्म हुआ इंट्रोडक्शन नेक्स्ट लाइन से लिख दो ठीक है मान लो इंट्रोडक्शन दो लाइन में आ गया डेढ़ लाइन में आ गया नेक्स्ट लाइन से अपना सेकेंड पैराग्राफ मेजरली शुरू कर दो ठीक है कल रात को आठ बजे मैं आपको कराने वाली हूँ फुल ग्रामर अगेन बोल रही हूँ ताबड़तोड़ ग्रामर की क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है उसके बाद तेरह तारीख को सुबह आपके सारे क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड डाउट हम क्लियर करेंगे जो परसों का ठीक है इंग्लिश को अभी मान लो अगर तुम्हें थर्टी परसेंट इंग्लिश पे ट्रस्ट है ना कि इंग्लिश की प्रिपरेशन हमारी ट्वेंटी या थर्टी परसेंट है मैं तुमसे बात करूंगी ना पच्चीस तारीख को पच्चीस तारीख तक क्लास में आओ पच्चीस तारीख को मैं तुमसे बात करूंगी और तुम ही लोग कमेंट करोगे कि से नाइनटी एट परसेंट इंग्लिश की हमारी जो तैयारी है वो पूरी है कंप्लीट है दिस इज माय प्रॉमिस ठीक है हाय निधि बेटा जो सो रही है कल शाम में दिखा दूंगी जो को ठीक है मेरी जान चलिए सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस मैं आपसे कल मिलूंगी शाम में आठ बजे टेलीग्राम आप प्लीज ज्वाइन कर लीजिए सब मैं अभी भेज देती हूँ कल की टॉपर की आंसर शीट भी भेज देती हूँ एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है यार कॉमेंट जरूर कर दिया करो ठीक है कमेंट करके जरूर बताना कि आपको आज की क्लास से कुछ बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ इन चार्ट से जो मैंने आपको बनाए आपको बेनिफिट मिला या नहीं मिला क्योंकि जब आप जब तक फीडबैक नहीं दोगे ना फिर मुझे मेरी मेहनत वेस्ट ही लगेगी ठीक है तो मेहनत सिर्फ आपके कॉमेंट से लगती है ठीक ठीक है है यार होनी चाहिए मेहनत तो मुझे बस चाहिए कि आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स करो और आपको जो भी डाउट है बट हां टॉपिक से रिलेटेड क्योंकि अलावा के जो डाउट्स है ना वो बेटा ऑलरेडी सोल्व है मेरे दिमाग में क्यों मैम क्वेश्चन आंसर बेटा तेरह तारीख को क्लास है मैम हिंदी की बेटा अठारह तारीख को मैं कितनी बार तो बता चुकी हूँ के हिंदी है, हिंदी ये भी दोनों करेंगे अब अब दिक्कत मत लो मैंने बोला होगा हर इंक्लूड करेंगे हम कुछ छोड़ेंगे नहीं बट बार वही चीज़ पूछ के कोई वो नहीं है नहीं है ना तो लास्ट टेन डेज वाली वीडियो देख लो इस क्लास से रिलेटेड कोई डाउट है तो कॉमेंट करो वरना अपना फीडबैक एक मिनट लगता है कॉमेंट करने में तो मैं जब तक तुम्हें टेलीग्राम पे पीडीएफ भेजूंगी तुम तब तक कॉमेंट कर देना ठीक है चलो बेटा तो कल मिलते हैं रात को आठ बजे मस्त सी पीपीटी बना के लाऊंगी सारे क्वेश्चन उसमें हम इंक्लूड करेंगे हर टॉपिक के ठीक है मजा आ जाएगा अपना एटलीस्ट दो घंटे तो क्लास चलेगी ही ठीक है दो घंटे तो चलेगी ही पहली बता रही हूँ चलिए सो थैंक यू एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास बाय टेक केयर कल आठ बजे आना मत भूलना लव यू ऑल